all about peace, love, and respect. That's what we're giving to y'all. All right, ladies and gentlemen, this is the one and only Imran Khan. Yes, sir. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू स्ट्रीम ऑफ बीजीएमआई। आप सभी का स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक। कैसे हो आप? वेलकम बैक, व्हाट इज अप, गुड आफ्टरनून। ओके वेलकम 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 श्रीनिवास, हेलो, थैंक यू सो मच। धर्मेश, लव यू मैन, थैंक यू सो मच। प्रशांत, हेलो, गुड आफ्टरनून। अनिकेत, हेलो। सदाम खान, हेलो। सैबी, हेलो। वीके 18, गुड लक, थैंक यू सो मच। आर्थर चाचा गबरू, कितना बड़ा हो गया है। शुभम, हेलो। आतिफ, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया, ऑल गुड। ओके
तो गाइस हमने पोल डाला है, पोल ये डाला है कि भाई कितने चिकन डिनर आज मिलेंगे अपने को, यू गोना टेल मी कितने आएंगे या बिल्कुल नहीं आएगा। लेट्स सी कितने प्रतिशत मेजोरिटी लोग ये सही गेस कर पाते हैं और उनको मिलेगा मेरा बहुत सारा प्यार। गुड आफ्टरनून लोकेश भाई, महेश भाई गुड आफ्टरनून, करण हेलो। एक चीज का याद रखना, आज है थर्ड डे, तो पिछली बार थर्ड डे में हमने 100 पॉइंट दिए थे विद 2 चिकन डिनर, पर दो दिन से हमारी मैचेस अच्छे नहीं जा रहे। कल एक चिकन आया बट ओवरऑल इट वाज नॉट गुड। तो यहाँ आर पार वाला सीन होने वाला है, या तो आर लगा लो या तो पार लगा लो। तो जितने भी शर्त लगाने वाले लोग हैं, आज का दिन है, आज का दिन है, आज सट्टाबाज सट्टाबाजी आ चलेगी। चिकन पे लगाओ बट किस मैच पे लगाना है वो जरूरी है। मेरा मार पे लगाओ, मेरा पार पे लगा लो इशिता, बता रहा हूँ मैं। बाकी जो जिस पे लगाना है वो देख लो। लास्ट मैच में घुसना नहीं था, इट्स ओके। देखो वो घुसना था, ऐसा नहीं घुसना नहीं था। देखो यार हमारे पास इंफॉर्मेशन कम थी उस टाइम पे, घुसना बहुत सही आइडिया था, हमने एक टीम फिनिश भी कर दी। हमारे पास इंफॉर्मेशन कम थी, वहां पे दो टीम नहीं थी, वहां पे तीन टीम थी जो कि आपको पता, चौथी टीम हमारी। तो वो एक ट्रिपल सैंडविच वाला सीन हो गया था, ठीक है। अगर एक टीम होती या दो टीम ही होती सिर्फ, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, हम प्ले कर लेते। हेलो नवीन भाई, आज तो इंटरव्यू देखना पड़ेगा, मैं नहीं जाएगा इंटरव्यू की, डोंट वरी। आज कमबैक चाहिए करेंगे, बैट लगा दी 1500 की। मेरा मारते हैं, मेरा मार गोना भी ब्लास्ट। नॉर्वल किरा अच्छा खेल रहा है, यस। एंड गाइस लाइक करना मत छोड़ो, लाइक बटन दबा दो फटाफट से। कितने लाइक्स हो गए, चलो 100 लाइक्स हिट करते हैं पहले, तो फटाफट लाइक कर दो। जिन लोगों ने लाइक नहीं करा हिट दैट लाइक बटन टुगेदर। लाइक गोल बदल देते हैं, स्ट्रीम लेवल्स ऑन कर देते हैं, नोटिफिकेशन चिकन डिनर वाली ऑन कर देते हैं। रोक सको तो रोक लो। मीरामार के मैच में चिकन, प्रशांत महाराणा थैंक यू सो मच फॉर द 100। यस मीरामार के मैच में चिकन, मैं तो चलो सब्स्टिट्यूट में जाऊंगा। खीरा कुणाल गेमर संचित थोड़िया डैनी भाई एंड मी, सो दिस इज गोना बी आवर BGIS टीम। ₹1500 डूबे तो चाचा के नाम का मेरे। Still and silent, calm before the storm, gold and diamonds.
चलो एनएक्सटी रंजो हेलो अदर लव फ्रॉम मोडो भाई थैंक यू सो मच आज तो दो तीन चिकन यू मैरिड यस आई एम सुपर मैरिड सिल्किश मैम बेट बढ़ाने हो तो बता देना पहले ही यू आर एन अमेजिंग पर्सन कीप इट अप थैंक यू सो मच जतिन ब्रो थैंक यू सो मच लवी मैन एक लीटर दूध दे रहे हो बाबा आज दूध नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं भी देख के करना आजकल एम सही नहीं लग रहा होगा होगा SMR team, there it is. अभी क्या पोजीशन जा रही है? अभी hashtag one है. Laws किसे सब खेल रहा है? Laws playing T2 and other people have not joined. तुम poll पे क्लिक करो. कितने चिकन आएंगे? अभी एक चिकन पे 29% चल रहा है. बाकी 28% एक भी नहीं चाचा जेन्युइन बता बातें करते हैं चाचा ओपी है बेंच अरे राज प्रो गेमर 10 मिलियन थैंक यू सो मच ब्रो थैंक यू सो मच फॉर योर जबरदस्त कमेंट आल्सो कमेंट थैंक यू सो मच दो चिकन पक्का पहला मैच ही थोड़ा क्रूशियल रहता है हमारे लिए पहला मैच सही जाएगा तो सब सही जाएगा चाचा जेन्युइन बेट करता है चाचा ऑप एच भेंचोड देखो कुछ भी ऐसे जैसे ओपी लिखना हो कुछ भी ऐसी चीज हो ना अब उसने ऑप पढ़ा अगर कोई भी चीज वन वर्ड बाय वन वर्ड पढ़े तो उसको कैपिटल में लिख दो जैसे ओ पी दोनों कैपिटल में लिख दो ठीक है तो वो ओपी पढ़ेगी स्मॉल में लिखोगे वो ऑप पढ़ेगी हैशटैग वन को नहीं छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे रोहित भाई थैंक यू सो मच गाइस लाइक करो यार कम ऑन लाइक कैन बी हिट 200 लाइक्स फटाफट से मैच चालू होने से पहले 200 लाइक कंप्लीट करना है फटाफट से कर दो जिन लोगों ने हैडल एक्सटेंडिंग यार मैं हैशटैग वन हूँ बस बाकी आई डोंट नो अच्छा इस दफा BGS में क्वालिफाई करना लाजमी और T1 टीम से बजा देना लाजमी तो है इस दफा और पूरी कोशिश रहेगी टीम अच्छी है सब अच्छा है इस बार नहीं जान देंगे स्लॉट 18 दिखाओ स्लॉट 18 इज सैवेज गर्ल लफड़ा समा थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच इस मैच में टॉप 3 आओगे क्या ये पूछने की बात है टॉप 3 यू नो नॉर्मली हर मैचेस में आ रहे हैं हैवी मत लगाओ अभी हैवी लगानी है मेरा मार में लगाओ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कर्नाटका सी यू ऑलरेडी हैव गेन्ड 5000 तो 5000 पे इस्तेमाल कर सकते हो आप 1000 करके कर सकते हो या 500 रुपए करके कर सकते हो या पूरा 5000 साथ में कर सकते हो या 4500 व्हाटएवर लेफ्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस लवी मैन आप मुंबई इंडियंस की तरह खेल रहे हो लास्ट से टॉप डायरेक्ट व्हाइट हाउस भाई आप अखनूर से हो यस रामपाल शर्मा आग लगा दो बीसी लॉबी खाली कर दो आज थोड़ा किल्स के लिए खेलेंगे थोड़ा जोर लगाएंगे आपकी तारीफ होती है समाज स्ट्रीम में थैंक यू सो मच मैन आई एम टोटली ब्लेस्ड मैन थैंक यू सो मच इट्स ऑल माय ऑनर आर सेरोटोन हेलो मिस्टर सेरोटोन उतरते मत चटक लेना नहीं उतरते तो नहीं चटकते चाचा बीए जैसा कैसे ज्वाइन कर बीए अभी रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा ब्रो कांस्टेबल मैच के बाद दिखाता हूँ शिवराज हेलो रेडीज बॉय थैंक यू सो मच फॉर द सब ब्रो थैंक यू सो मच योर फेवरेट टीममेट माय फेवरेट टीममेट दिस गाइस ऑल आर माय फेवरेट मैन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सब एक बराबर है मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक बट तो चाचा आज सबकी फाड़ दो
लॉस आ गया, अब जीतने नहीं देगा। लॉस तो लास्ट वीक में भी था क्या? तो कैसे मैं बढ़िया बताओ। शो एसएमआर स्लॉट या टीम 16। Deepak Singh, Big Fan, thank you so much bro. Very Sham is missing. He's been working like office jata hai wo daily. So yeah, he's busy with life. Mahesh bhaiya hai chatpali. Come on guys, like kar do yaar, hit that like button together. Aap top pe ho na, yes. Aap BBI leads karwao. Dekho BI leads hote the, theek hai? Then it turned to Hydra leads, theek hai? Elites होंगे तो एक ही होंगे ना, दो elites करके कोई फायदा नहीं है ना। So yeah, at the rates, it's good, it's good, it's sufficient, we need nothing more. Salam Khan, hello. Star कब बड़ा होगा? Star अभी छोटा ही है, 11th में होगा। ए किसकी आवाज थी? प्राइम प्राइम नॉनसेंस प्राइम, हेलो। पता नहीं किसकी आवाज है। ठीक है, सही पता चला। एमडीएस अपर भाई एकदम मस्त है, आप कैसे हो? नीट की जैसे ग्रेडिंग। थैंक यू सो मच परेश भाई अगेन। नहीं, हम करेंगे कैंपिंग भाई, वेट कर रहा हूं। कैंप भी करते हैं यार, ऐसे तो लिखते हैं कैंपर्स है हम। हम कैंप कर करके किल्स ले लेते हैं। हेलो ऑल पे नहीं लेंगे किल्स, कैंप पे पूरी लेके खेलेंगे। नहीं आने दे रहे भाई, वो तो कैंपिंग ही पसंद है। बनूंगा कैंपर, बनवाऊंगा टीम को कैंपर यार। हां भाई, कैंपर तो बहुत पहले से थे कीरा भाई। और क्या, एक्सी से भाई, एक्सी पहले पैदा कैंपर वही ना, छुपन छुपाई खेलने में भी कैंपर वही ना। आज मेरी इज्जत रख लेना बस, हरा मत देना मुझे। मतलब है? आप मैं हारूंगा तो आप जीतोगे, ये कौन सी बात है? लोकेश भाई मेरे हार पे पैसा लगाते हैं पता है। ठीक है लोकेश भाई, बट बड़ा सट्टा खेलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा खेलते हैं ये, रिस्क पे नहीं खेलते ये। गाड़ी आ रही है वो संचय से, शायद जहाँ तू आ रहा है वहाँ से गाड़ी लेके जा, स्नाया वस्नाया वाले ना हो, देख के ठीक है थोड़ा। ठीक है ब्रो, अरे ये तो लग रहा है गन फाइट ले रही है, तो गन फाइट लेंगे ब्रो। स्कूल जाती है क्या हमसे? तेरे से स्कूल जाती है? स्कूल जा रहे थे गाड़ी तो कोई नहीं दिख रही भाई। हाँ गैरेज में गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी मेरे गैराज में है। वो स्कूल वाले याद करना, पिछली बार भी ऊपर आ रहे थे पिछले मैच में। ऊपर आ रहे थे, टोचन मिला था क्या? हाँ आते हुए टोचन मिला था, इसलिए भाग गए थे पीछे। थोड़ा सा माल के स्काउट करते रहना, लूट लो और अपना स्पीड बढ़ा लो यार लूटने की। सबसे लेट तो चाचा आप भी लूट रहे थे यार। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ उस पर फॉलो करो ना। जी सर, फुल स्पीड। फुल स्पीड हाँ, हाँ ये लोग निकल गए, ऐसा निकल गए जोन। क्यों लग रहा है मुझे अपार्टमेंट स्कूल कटेगा ये साला। अबे लॉल एक एम4 ले लेना तेरे पे। लॉल क्यों बोला? अरे गैरेज में गाड़ी उठाने गए तो वहां पे दो एम4 पड़ी थी, मेरे को एक ही दिखी थी। ले 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 तू मार्क कर दे तो दूसरी। आई गॉट सप्लाइज,
चश्मा लेने थोड़ी जाएगा तू। Marked a location. ammo pick up थोड़ा manage करना पड़ेगा। Extended पड़ा है बगल वाले का। उठा ले। तमगी कितनी bullets होनी चाहिए फिर इस अब से? मैं 60 रखता हूँ। 6x मिल गया मेरे को किसी और को चीज में। फाइव एमओ चाहिए मेरे को बस, मेरे लूट हो गई और एक एक्शन में। I got supplies. हो गई है, तुम लोग बताना जब। बस मैं M4 और 6 से उठाएगा मेरा हो जाएगा। 4x किसी को तो नहीं चाहिए। दे दे भाई। नहीं फेंक दे इसको। ये 6 कहां गिर गया? लियो 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 लियो। स्कूल वालों की गाड़ी का टायर निकाल दो। निकाल दो निकाल दो। एक्सटेंडेड जाएगा ना किरा भाई? यार चाचा आप तो पूरा ही लूट ले तो हमारे लिए तो छोड़ दिया करो यार कुछ। स्पीड ब्रो स्पीड। लूट हो जाए जल्दी बताना। डन है डन है डन है। सिक्स से उठा लिया। वाओ फिर भाई क्या मो भाई एक और है भाई क्या मो छोड़ दे। मार्क कर दे पास में। सारे तरह ना भाई क्या मो छोड़ दे। तुम गाड़ी लेके मेरे को ऊपर शॉप कर ले चल। नहीं छोड़ा है गाड़ी वहाँ पे? नहीं गाड़ी है वहाँ पे दे ले। तुम चिकचिक कहाँ पे है? मेरे M4 का मार्क करिए। बैक कर जल्दी बैक कर। मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? टॉप पे चलना मेरे साथ। सही है। क्यों? इधर हो ये गाड़ी सिक्स बैंड। I got supplies. अभी उठा के रख मेरी गाड़ी पे। इसने दो M4 मार्क नहीं करी थी। छत पे है और छत पे है और इधर आ जाओ ना बैग जगह नहीं। एक और कहाँ पे है M4 रे? तेरे पे पहले दो M4 निकलो गाड़ी में बैठो यार मेरी। तुम बहुत टाइम लगा रहे हो यार वो शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ। मुन्ना के लिए खाना लेना था। पिस्टन डाल रहा हूँ। गैस के नंबर दे रहे हो? मैं भर रहा। भर दिया। राइट से रोटेशन। गाड़ी बड़ी नहीं मिलेगी तो बटा के गए थे। एक डस्टर खड़ी है तो नहीं हुए तो वो किन चाचा के पास गाड़ी है ना? हाँ डस्टर लक्ष्मण बैठी है। लक्ष्मण बैठी है नहीं उठाएंगे क्या? बाकी उठा रहे क्या तुम लोग? नहीं भाई यार मैं उठा रहा हूँ। डस्टर लो भाई ये मेरी डस्टर है। वॉच आउट। अरे डस्टर ले ना। मैं ले रहा तू खूब ले। जाना है सीधे तेरे मार्क पे जाना है। हाँ उधर रोटेशन आई थी ध्यान रखना। हेलो रुक गए पूल में बंदा पार्ट लेफ्ट पे वो है देखी थी मैंने एक रोटेशन। बस आप आ जाओ गाड़ी आओ। क्या निकलना है इधर से? हाँ होल्ड करना है ऊपर आना है। चाचा ऊपर नीचे नहीं। ओके फिर बढ़ के आ रहा। बड़ा
और अगर ये नीचे कटा सीधा बॉक्स पकड़ लेना ठीक है। बॉक्स पे चल निकलो 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 मत आओ वापस जाए। हां वॉच ओवर नहीं बंदे आ गए। हाँ। बंदे वापस 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 गाड़ी गाड़ी आई। हां मारो 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 राइट में बंदा है डाउन रेंज बंदा है जहां मैं रुकता हूं। हां देख खुद वाले के भी यहां वॉच आउट गई गाड़ी रेंडर नहीं हो रही थी कहां छुप पा रहा उनकी ना नहीं थी वहां पर अगर ज्यादा गाड़ी नहीं थी कि गाड़ी एक भी नहीं थी कि हम तो आपके बाजू में थे पता एकदम बाजू में थे यहां रुक गए मार्क द लोकेशन मेरी गाड़ी ऊपर लगा रहा हूं मार्केटन ये अपने बंदे को नीड कर रहे हैं गोल्डी भाई थैंक यू सो मच। ऊपर कौन देख रहा है हम देख रहे हैं बैक देख रहा हूं ना डीसिंक में नॉक हो ना भाई उसके बाद में भाई चाहे 10 एचपी कवर में चला गया था तब नॉक देखे थे हम आपको बग्गी से उतर के लेफ्ट हो गए थे ना मैं उसके बाद तो नॉक हो भाई क्या गेम है सोचे आप जब ठोके ना मुझे दो ही बंदे क्योंकि मारे थे ना तुम्हें तक सोचे कि ले लेते हैं फिर उधर से बग्गी अबे वो डीसिंक में मैं नॉक ना तो मैं स्लैम करवा ही देता तुम्हारा या कवर ले लेता अबे पहले आप हाफ एचपी हो ना सोचे ठोक दे फिर आप नॉक हो गए होती अरे एक गाड़ी नहीं ऊपर से गाड़ियां रेंडर हो जाती थी एक गाड़ी रेंडर नहीं हुई वहां पे ज्यादा गाड़ी भी नहीं हो गया तो लग रहा है एक ही दो गाड़ी होगी वो आगे लगा के रखेंगे दो ही बंदे थे क्योंकि मार्क्ड एन एयरड्रॉप फिर तो ही थे तो फिर स्लैम ही मार देते अरे बाद में पीछे था ना बग्गी जब हम ऊपर कट रहे थे तो दो मतलब थे चारों ही बंदे टीपा वाले ही थे ना टीपा वाले जानो सुबह मैसेज करता हूँ क्या रात को भी कर रहा सुबह कहता यार जीतने दो मैंने कहा जीतो यार आराम से जीतो हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं चलो बस
ड्रॉप ट्वेंटी के 200 रुपये, क्या बात कर जाएगी यार। वॉच आउट, आप भी देखते गया नीचे भाग कर बॉक्स ही जाओ। हाँ बोलो निकल जाएंगे ऊपर से स्काउट करना इस बार। बग्गी मेरे सामने निकली निकली लेफ्ट, रोटेशन जा रहा है एक सामने मेरे पूरा। राइट से गाड़ियां बॉक्स देखो ना क्या कोई देख रहे हैं बॉक्स कोई पीक दिख नहीं रहा यहाँ पे। कुणाल हम गाड़ी घुमा रहे थे कि तेरे एंगल से लेफ्ट से मारनी पड़ेगी तेरे को लेफ्ट से देख रहे हैं। अरे ये लोग सेंटर खेलेंगे ये लोग होल्ड नहीं रखेंगे मैं बता रहा हूँ। बग्गी खड़ी है खाली है एक बग्गी है स्लैम कर दो या नहीं यहाँ तो कोई है ये कि बग्गी बस पड़ी है तेरा की बग्गी है एक बार चेक कर ले बंदे दूसरे घर में जहाँ बग्घी लगी तेरी है पत वो नहीं चेक तो कर ले उनका गाड़ी तो थी मतलब नीचे देखो किल स्लैम लैम हो रहे थे ऊपर देखो ओपन में बंदे हैं वहाँ वो इनका ये नॉक हो रहे हैं इनकी फाइट हो गई है और एंटर नहीं हो रहे बंदे। मैं सोच रहा हूं ये ओए ये संचय ट्राई कर सकता है स्काउट करके आना पड़ेगा। हां हां हम भी सोच रहे थे स्काउट करके आ जा जा गाड़ी आ रही ऊपर से देखते रहो होल्ड रखना होल्ड रखना फाइट नहीं लेना होल्ड रखना है। अगर इसको शॉट बंदे बंदे भाई अभी से होल्ड करके बैठ क्या ही है लेकिन वो हमसे पहले पक्का कोई हमसे आ गई था वो नहीं अच्छा है हम लोग बहुत पीछे थे। सुन फर्स्ट एड उठा इधर से तीन फर्स्ट एड पड़ी इसके टिपा इसके रेड पे इधर बात वॉच आउट तीन फर्स्ट एड अपन लोग ब्लू जोन गेम खेलेंगे ठीक है। बैक बैक चेक रखो फ्रंट का नहीं देखना अभी वॉच आउट फाइट हो रही है बीटीएस की टीम की डबल शिफ्ट मार के जो इधर आएगा ना ये जोन तो अपने लिए एडवांटेज है ऊपर ऊपर से नीचे नीचे हाँ बस खेलो ये नीचे वाला शैक देखते रहो एक बंदा नीचे वाला शैक देखते रहो बस ये वाला ना वॉच आउट हम देखते रहो हम देख रहे नहीं देख यहां से क्या देख रहा है कोई नीचे गाड़ी लाया तो मार पाएगा उसे यहां पे बोलो ना शैक वाला वॉच आउट शैक और वो सिंगल हाउस खाली रखना है भाई गाड़ी आ गई उधर बाकी तेरा राइट ठीक है लो ना उसे सिंगल आया क्या बंदा हाँ सिंगल आया लो ना फिर
अरे आगे लिए जाना संचित बोला, थोड़ा आगे से खेलना लेफ्ट से पढ़ जा, रही है, यहीं से पीक बैठे बैठे लेफ्ट से पढ़ रही है। बग्गी लेके थोड़ा लेफ्ट जा, देख पत्थर पे जा, बैक जाना पड़ेगा तेरे को, लेफ्ट से पढ़ रही है। ओए यूरस है, यूरस भी लगी है राइट, तेरे आगे यूरस भी लगी हुई है। क्या बंदे हैं इधर, बंदे भी है। वापस आ, वापस आ, छोड़ दे वापस। कोई नहीं कोई नहीं, इधर ठीक है, यहाँ नीचे लिफ्ट में बंदे हैं। कोई नहीं, तुम खेलो, जोन है ना, अभी खेलो, चलो खेलो खेलो अभी, खेलो आगे पीछे देखते रहो बस, ऊपर कोई ऊपर से राइट रोटेशन ना मारे, कोई कुछ ना करे। ऊपर से तो कहाँ से आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ा सा आ सकते हैं बट वो नहीं, बाहर से आएंगे। मार इसको, मैं लेटा हुआ है। हाँ मार इसको, मार्कर। वॉच आउट, घर में लेटा हुआ नीचे, सिंगल आउट। अगर तेरे घर पे चढ़ने की कोशिश करता हूं मत चढ़ो, उधर से स्क्वाड आउट का पूरा एंगल होता है। थोड़ा उससे बंदे पीक कर रहे थे, तीन गाड़ियां बचाओ, गाड़ियां अबे यहां स्मोक हुआ, इसको ऊपर करके गए घर के। क्या लोड़ो कुंती कर रहा हूँ, नहीं नहीं रुको ना, वही घर में तुम यूरेट वाला बाहर निकला हुआ है, तो दे सकते हैं सोलो कंपाउंड वाले को देना पड़ेगा। मतलब? सुनो सुनो सुनो, हाँ ये लो, इन लोगों को लो जो गाड़ी वाड़ी दिख रही, सिंगल आउट खाली करना पड़ेगा भाई। ये सिंगल आउट जोन पे है, हम शैक पे ठोके, आप दोनों नहीं सीधा स्लैम मार दो। अब तो जल्दी अभी टाइम है, ब्लू जोन गेम गाइस, ब्लू जोन गेम, हम शैक पे ठोकेंगे, आप लोग मार देना नीचे। भाई कहां कहां से हमें मार रहे हैं बंदे, ये राइट वाले भी आप तुम ही लेना चाहेंगे, मेरे पेटी से लूट लो ना। 250 नहीं है तेरे, 50 से 50 से 50 से 70 है मेरे पे, 50 से। कहां उड़ा दिए आप, ये ना मेरे थे ही कम उड़ाए क्या, बग्गी फाड़ दो। तो आगे यहां से इसके लेफ्ट में लेट के देखना संचित, आगे का सीन इसके इसका, हां यहां पे आगे जा थोड़ा, देखना आगे क्या सीन है, डबल टैप करके देखना जोन कहां पड़ रहा है, क्या बन रहा है, क्या चीजें है, वो तो ले पाएंगे उसके। वॉच आउट, वो सोलो कंपाउंड के आगे ही जोन है, वॉच आउट हां वो 20 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले कंपाउंड पे फाइट हुई, कोई सोलो कंपाउंड, चल 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 जा शैक, जा शैक, जा जल्दी शैक जाओ, जा इंफो देख कर जाके, राइट से कवर रखना, राइट से कवर रखना गाइस, राइट से कवर रखना। ये देखो ओपन में कूद रहे, बस यहीं लगा ले, इसको ओपन है ये, ले ले दोनों, एक एचपी है दूसरे, क्या कवर दे, राइट से कवर दे, राइट से कवर दे, हटे बना ले क्या से भाई, डेढ़ मार रहे उसने मुझ पे, क्या कर अब वो, ऐसे जाने का फायदा ही नहीं था बिना नॉक के, लेफ्ट जाओ राइट, अबे ऐसे कैसे घुस रहे, तो उसको नहीं मर रहा था ना संचित को, अबे तो हम तो वो नेड वाले को मार रहे थे, थोड़ा इधर आप बाजू तो पीक लेके मार ना, ओपन क्यों मार रहा है, पीक ही लेके तो मारे हैं, मैं पीक लेके मार रहा हूं, हट पहले ही जाना था यार, इतना लेट करवाया, पहले बिठा के रखना था उधर शेक। कंटेनर में थ्रो कर दिया, ओके। तो एट द रेट चाचा करते हो, मेरा नाम चैनल का चाचा नहीं है, मेरे आर्थर है, उसमें टैग नहीं होगा, तुम एट द रेट भी फालतू में लगा रहे हो।
यहाँ पे कंक्रीट कवर है वो टीम्स के पास में एक सीरियस एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। एक दिन सीएस को यहाँ पे प्लेजोन के बाहर नॉक होना पड़ेगा। यहाँ से डैमेज की बात करें तो लाइक प्लेजोन का डैमेज भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऋषभ की बात करें, ऋषभ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे, लेकिन आयुष इंतजार कर रहे थे। आयुष की नजरों से कैसे बचेंगे, आयुष उसको पिक करेंगे। स्टार यहाँ पे अपने आप का बचाव करने की कोशिश करते नजर आएंगे। आपको ग्रेनेड कुक किया है, क्या ये ग्रेनेड फटेगा? यस जरूर फटेगा, लेकिन जो कनेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो कनेक्शन यहाँ पे मिल नहीं पाया। व्हीकल भी यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। देखिए दोनों टीम्स यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ग्रेनेड की बारिश करते आपको नजर आएगी। बस स्टार यहाँ पे लाइक 50-60 एचपी पे आपको देखने मिलेंगे। बीटीएस की तरफ से यहाँ पे लगातार ग्रेनेड्स डाले जा रहे हैं। एक स्प्लैश डैमेज अगर यहाँ पे सीधा सा स्टार के ऊपर जाता नजर आएगा आपको, तो डेफिनेटली स्टार यहाँ पे अपने घुटनों पे आ सकते हैं। वेल देखिए स्मोक भी यहाँ पे डाला जा चुका है, कहीं ना कहीं अपने एनिमीज का विजन यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश रहेगी। लेकिन लाइक स्टार की बात करें, स्टार को यहाँ पे बैकअप की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पे 1v2 का सिनारियो उनके लिए रहेगा। पीछे से आपको स्किप्स देखने मिल सकते हैं, स्किप्स भी कहीं ना कहीं काफी तेजी से यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखो टीम एसएमआर आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। सबसे पहले स्टार को पिक किया, तीन कंफर्मेशन यहाँ पे खाते में रखेंगे, ग्रेनेड यहाँ पे आएगा एंड ये ग्रेनेड से एक प्लेयर फ्रॉम टीम एसएमआर अपने घुटनों पे आते नजर आएंगे। मीनवाइल यहाँ पे स्प्रे गॉड अकर्स गॉड आपको देखने मिल सकते हैं। 1v1 फाइट बिटवीन बीटीएस एंड अकर्स गॉड यहाँ पे होती नजर आएगी। बीटीएस ने यहाँ पे जरूर मौके पे चौका मारा है, लेकिन अपने टीम से ओनली प्लेयर सर्वाइविंग आपको देखने मिलेंगे। सर्कल है, सर्कल का एक बहुत ही प्यारा लोकेशन आप बोल सकते हो इनके पास में रहेगा। कॉन्क्रीट कवर है, छोटा सा शैक है। इस शैक का कितनी देर तक एडवांटेज ले पाएंगे जी एक बहुत ही कीमती सवाल यहाँ पे रहने वाला है। मीनवाइल मैं पोल पे देख रहा हूँ गाइस, 60% एवर्टेड 60 बॉडीज ऑन गोइंग। गाइस क्या चल रहा है ये भाई, सच्चाई का साथ दो गाइस। क्या मस्त साउंड आ रही है यार। ओके बताने लग गया कास्टर को। बताएंगे क्या, वो डिले है ना, 2 मिनट तक ऐसे सॉन्ग सुनने को मिलेगा आप। बहुत बस आ रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहा है। ये तो बहन चो वो हो गया सैंडविच सीन, ब्रेड वाला सीन है। भाई 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 ली बैटल एक के देना। अरे मैं क्यों दूं भाई, मुझे 5,000 मिले थे क्या? हाँ मुझे 5,000 मिले थे क्या? हेलो एवरटेड, तुम्हारा माइक इशू है।
मुझे कैसे पता ना चला। डर दे दो लाते रहो, खिला नहीं रहा हूं, सर्वर म्यूट ही रख रहा हूं मैं इनको। ये मैच पूरा तुम ही कंटिन्यू करो, ठीक है? हां ठीक है ठीक है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, आई थिंक लाइक कोई टेक्निकल इशू आ गया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए थोड़ी देर के लिए आएगा वो, बाद में ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, वो फिक्स कर लेंगे, बाद में वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं यहां पे मैच में वापस। नो कंपटीशन नूब रे, ओके ब्रो। की में आपको देखने मिल सकती है 9 प्लेयर्स यहां पे बचे हुए। इवन 79 की बात करें, 3 प्लेयर्स के साथ में आखिरी सर्कल के दौरान आपको देखने मिल सकते हैं। कंफर्मेशन भी जरूर है। चली चली किसकी चली, विकास की चली, विकास की गांड फटी फटी, किसकी फटी, विकास की फटी। लाइक मैच जो मिस कर दी होगी, लेकिन कोई ना, यहां पे एक ही मैच का सवाल है, वो फिक्स लेंगे। माफिया को कंफर्म किया जाएगा इनकी तरफ से। उनकी बात करें, इविल लगातार यहां पे डोमिनेशन दिखाते नजर आएंगे। अक्षु को पिक किया जाएगा। आखिरी चार टीमों में आपको कौन सी टीमें देखने मिलेगी। आरएनटी के प्लस यहां पे रहने वाले, यहां पे बात करेंगे अक्षु पैंथर एंड साथ ही साथ हाइड्रा लीजेंड, ये एग्जैक्टली सामने आपको देखने मिल सकते हैं। स्किप्स की बात करें, टी2 के साथ में सर्वाइवल इनका देखने मिलेगा। टोटल देखा जाए तो इनकी टीम निकाल चुकी है 7 कंफर्मेशन, एंड लाइक ऑन द अदर हैंड इवल के पास यहाँ पे 2 कंफर्मेशन आपको देखने मिल सकते हैं। एक तरफ आपको टीम लॉल्स के 2 खिलाड़ी देखने मिलेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पे पैंथर एंड अक्षु का एक डेडली कॉम्बो देखने मिल सकता है, शिंजो एंड इवल तीसरी तरफ देखने मिलेंगे, एंड एक आखिरी खिलाड़ी लीजेंड अपने टीम से सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब 4 टीम सिचुएशन को अगर यहाँ पे देखा जाए, 1v2v2v2 का सिनेरियो रहेगा। अगेन आप देखिए, पैंथर आई थिंक अक्षु को यहाँ पे पिक किया जाएगा, तो डेफिनेटली सर्कल काफी छोटा है। यहाँ पे लोकेशन की बात करें, सीरियसली यहाँ पे लोकेशन का सर्कल काफी छोटा है, छोटा ही होगा। लाइक करो गाइस फटाफट से। और मेरे भाई अली गेमिंग जाओ तुम और मरवाओ अपनी परमानेंट। अली गेमिंग 0963 ना 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 लास्ट वाला क्यों नहीं देखने दिया? आप देख लो हाइटर क्लैम में जाके देख लो, मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया। टीम मैच लेट्स गो। जो भगार मची है ना, मेरा मूड खराब। द ब्लू टीम हैज स्कोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एनिमी डाउन, कवर मी। टूपोर लेके आ जाते हैं टीडीएम में, सबसे तल्ले ही टूपोर वाले होते हैं। सबसे बढ़ गए लोग। बॉट गेम प्ले, थैंक यू सो मच। What does it take to be friend? Oh my. Don't be pathetic. Don't be pathetic.
Don't be perfect. Don't be perfect. Golmaal hai, bhai. Golmaal hai. Is in the lead. Bahut kharab hota hai na. Sab kharab hai. Mari maar kar ko bhai. Acha dekh raha hu. Bhai nade kar lo madarchod. Nade karke khel raha hu. No mercy. Sati na tha. Aao camper salo. Killing spree for the red team. कैसे कौन खेलता है बे? टीडीएम कौन खेलता है ऐसा? डब्बो डब्बो के पीछे बैठ गए हैं. Killing spree for the red team. ये लगी हो. Expired. यार तू इधर ही बैठ गया इनसे बोले निंजा. मेरे को कैसे पड़ रही है? लोड़े लगे लग गए अबे बेंच आया पर्वत अरे यार निकलना इधर से निकलना इधर से क्या कर रहा है तू बैठे रहेंगे क्या इधर चौधरी लोग एडवेंचर इनके लिए मतलब टीडीएम जीतना मतलब वो हो गया टास्क हो गया इनके लिए टीडीएम जीतना इनकी जिंदगी का सवाल हो गया कि भाई नहीं बैठ के हम कैंप करेंगे टीडीएम जीतेंगे अब जिंदगी में आ बैठे बैठे Be careful! You're losing the game. खेलना ही नहीं बहन चोद ऐसी चूती है लॉबी में. साला इनके लिए पता नहीं क्या हो गया टीडीएम. रात को सोते होंगे साले सोचते होंगे सपना लेते होंगे बहन चोद टीडीएम में हम कैंप करेंगे टीडीएम जीतेंगे. अबे प्रैक्टिस के लिए होता है टीडीएम कैंप करने के लिए नहीं होता. कौन समझाएगा इन चूतरों को. 1v1 फाइट के लिए होता है. तुम भी ऐसा नहीं करते क्या? तुम भी ऐसा करते हो क्या? ऐसे डब्बों के पीछे बैठे रहते हो. कोई इधर बैठेगा कोई इधर बैठेगा फिर नेट करोगे. टीम मैच लेट्स गो. ऐसा मत खेलना भाई कभी नहीं सीख पाओगे तुम गेम को. वीडियो इंटरव्यू दे रहा है क्या बात कर रहे हो रुको बहन के बारिश ही नहीं फर्स्ट पॉइंट फॉर द रेड टीम. हो गया क्या उसका इंटरव्यू? हाइड्रा क्लैन का है. तो जब आएगा स्क्रीन पे तब दिखाएंगे. वो तो अभी अपने पे ले रहा होगा ना. मार लेना बहुत मार दिया क्या? हाँ भाई चुरा लो गई भाई नेट शेट कर दिया. Nice shot. Grenade. Interview में देखते 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 हैं. Screen लगा रखी है. Interview आएगा तो देखेंगे उसको. रात में ऐसा लें नाइस
जाते हैं अलग लेवल का गेम प्ले है Dead. Reloading. Killing spree for the blue team. Cat miss. अच्छा लोगों को समझाओ हैशटैग बंद से ज्यादा मैटर दिखना होता है वही तो बात है ना सबको लगता है सबको लगता है सब प्रो है मैच चल दिक्कत हुआ है Reloading. सबको लगता है सब प्रो है तो वो लोग मानते नहीं है कि भाई हमको सीखना है लोग कहते हैं हमें आता है मैं रुक जाता हूँ The blue team is in the lead. Nice shot. तो ही मिल रहा है बॉट की तरफ. आप कुछ तो करो. Cover me. ओ मैन जो गांड लगे. मत मारो बे. पर टीटू का इंटरव्यू देखते रहते हो. ये तो फनी पार्ट है भाई. जिंदगी में यही तो चाहिए मुझे टीटू से इंटरव्यू से एंड बट सारी चीजें यहां पे जो रिजॉल्व हो चुकी है एंड लुक हु वी हैव ओवर हियर इट हैज गॉट बीन देन टीटू जी हां बिया टीटू जिनको चैट में काफी ज्यादा यहां पे जो प्यार है वो भी बरसाया जा रहा है वेल टीटू ओपी करा जा रहा है तो वेल टीटू कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट लास्ट विन ऑफ द चिकन डिनर कैसे हो आप थैंक यू हां मैं बढ़िया आप बताइए हम सब एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया Well, टीटू भाई देखिए मोस्ट ऑफ द मैच तो हम मिस कर चुके हैं बस हम आपके जुबानी सुनना चाहते हैं कि लॉल्स एंड आपके सब जितने भी टीममेट्स थे उतरते कहीं ना कहीं यासना है वो आपका एक फेवरेट ड्रॉप है वहां से आखिरी सर्कस तक की एक शॉर्ट जर्नी आप हमें बता दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि ऐसा मैच में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए यहाँ पे चिकन निकालने के लिए आसान रहा पहले तो अपन ने पहले लूट किया अपना अच्छा अच्छे से एकदम पूरा मतलब यासना पे बहुत ज्यादा ही लूट मिलता है ना तो अपने पहले लूट किया गाड़ी पहले से अपने ले रखे रखे थे 3-4 गाड़ियां तो वो गाड़ियां लेके सीधा अपन जोन टू जोन ही खेले फिर लास्ट जोन में फिर एकदम सीधा स्लैम अपन एक बंदे खो दिए पहले ही वो जोन से मर गया वो और फिर अपन आके नॉक हुए दो बंदे फिर मैं लास्ट बचा था मैंने उसको रिवाइव दिया दोनों को फिर वहां पे लॉल्स बाहर गया तो वो मर गया बाहर जाके फिर अपन जोन टू जोन एज मतलब पूरा स्मोक करके अपन जोन के अंदर घुसे फिर इजी चिकन हो गए उसने ले लिया भाई 1v1 ऋषभ के साथ अच्छी स्टोरी है और नॉक भी आई थिंक सबसे ज्यादा आप ही हुए थे मैच में किल फीड में मैं देख रहा था टी2 नॉक तो लाइक आपको रिवाइव कौन कर रहा था टाइम टू टाइम मेरे को स्किप्स ने किया भाई 3-4 बार रिवाइव भाई मतलब पैनिक हो गया मेनली जबरदस्त सपोर्टर का रोल निभाया उन्होंने आपके लिए इस मैच में सपोर्टर प्लस असॉल्टर दोनों सपोर्टर प्लस असॉल्टर चलिए बढ़िया है एंड जिम जाता ना कहां थे बाय द वे हम कितना मिस कर रहे थे आपको लॉस जिम जाता थे थोड़ा देखो उसका स्पार्की भाई के साथ हो गया बट लाइक आपको बहुत ज्यादा मिस किया खास करके हमने मैं ऐसे फिलहाल थोड़ा रेस्ट लिया था सब कस्टम वगैरह से तो आपने जब से बोला था कि पनवेल जाना है जल्दी बताइए हमें लगा कि आप पनवेल गए वहां से वापस आए नहीं हो नहीं ऐसा कुछ नहीं था पनवेल में मतलब एकदम पनवेल पसंद आ गया सो क्यों उठाई अभी बट चलिए यहां पे कमबैक जो है वो वापस इधर आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है एंड वेल ओवरऑल अगर आपको मतलब यू नो ये मैच का है नहीं अगर ओवरऑल हाइड्रा एलाइज का आपको एक्सपीरियंस पूछा जाए या फिर मतलब अभी तक आपका जो यहाँ पे है आपको कैसा लगा हाइड्रा एलाइज आपके हिसाब से लाइक आप और आपकी टीममेट्स भी यहाँ पे डिस्कस करते राइट तो कैसा लगा आप पहले भी खेलते थे अभी भी आप है ये तो एक इमोशन है भाई अपने लिए तो इमोशन है Because Elmuleta के टाइम से अभी भी चल रहा है वो चीज अच्छा लगा भाई ये चीज भाई बस आगे भी चलते रहे बंद ना हो कभी बंद तो नहीं होगा ये तो हमें पता है क्योंकि जो एक रिस्पांस हमें मिल रहा है जनता से खास करके काफी लाजवाब है एंड लाइक टीम्स जो हम देख रहे हैं जैसे लॉल्स की टीम है जैसे बाकी टीम्स है लाइक एक खतरनाक डोमिनेशन हर एक टीम की तरफ से रोज हमें कुछ ना कुछ देखने मिलता है तो ये काफी बढ़िया लगता है देखने में हाँ दूसरे दिन डोमिनेशन दिखेगा लेकिन इंटरव्यू रही जाता है फिर आता नहीं आज दिखेगा
आज पक्का चारों मैचेस में, चारों मैचेस में पूरा ट्राई करेंगे आज पूरा, हर गेम चिकन का। वेल लीजिए यहाँ पे एक बार के लिए टीटू भाई ने बोल तो दिया कि यहाँ पे चिका लेंगे, तो वेल टीटू ब्रो वी विल बी एक्चुअली वेटिंग फॉर यू, यू नो। एंड वेल मैंने आपके, आप शायद समझ नहीं जाते होंगे बट मैंने आपके सामने बहुत बार खेला है जब एमुलेटर के टाइम से, मैं भी एआर की टीम को रिप्रेजेंट करता था जब खेलते तब। एंड मैं लेजिट मैंने आपको मतलब एक बहुत बार आपके सामने खेला, आई वॉन्टेड टू बी अ गुड प्लेयर लाइक यू, आपका जो उस लेवल उस टाइम पे आप थे, फिर बाद में आपके साथ और भी प्लेयर्स थे, तो वेल उस टाइम से आपका डोमिनेशन है बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, बट उस टाइम का आपका जो गेम प्ले, इस टाइम का गेम प्ले, उस पे डिफरेंस थोड़ा सा जरूर से देखने को मिल रहा है। मतलब उस टाइम आपका एक अलग ही लेवल चलता था जब वो था, तब एक मतलब बहुत पीक लेवल पे थे, अभी थोड़ा सा क्या आपका जो कम बैक है, मतलब जो डोमिन एकदम एग्रेसिव जो गेम प्ले, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, आएगा आएगा वो भी आएगा बहुत जल्दी आएगा, मतलब अभी जो प्रैक्टिस ग्राइंडिंग फेज जो रहता वो चल रहा है, चल रहा है, यस चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी आएगा डोमिनेशन। देखिए ना जैसे टीटू भाई की एंट्री होगी स्क्वाड के अंदर, पहला चिकन भी निकल गया यहाँ पे, तो फर्क तो पड़ा है, कुछ भी बोलो डिफरेंस तो है। ट्राई करते हैं चार चिकन का, ट्राई करते हैं देख लेते हैं। वेल तो ब्लैक डॉट एनी फर्दर क्वेश्चंस? ना मैं ज्यादातर तो मैच देख ही नहीं पाया, अगर मैं मैच पूरा देखता तो शायद कुछ चीजें होती जो मैं पूछ पाता, लेकिन चलिए उन्होंने बता दी उनकी जर्नी। शुरुआत का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि लाइक आप बता दीजिए कैसे क्या, आखिरी में जो 1v1 फाइट हुई, लाइक मैं वहां पे था, मैंने देखा काफी बढ़िया फाइट हुई वो, एंड लाइक इक्वेशन इक्वल था, उनके भी पास एक ही बंदा, आपके भी पास एक ही बंदा, लेकिन लाइक उस प्रेशराइज सिचुएशन में चिकन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लाइक पैनिक हो जाते हैं प्लेयर्स, एंड एक छोटी गलती बहुत महंगी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में काफी बढ़िया तरीके से संभाला फाइट को, एंड लाइक चिकन डिनर के साथ में सबको सरप्राइज कर दिया। यस यस, एंड वेल यहाँ पे लॉर्ड गेमिंग एंड मयूर गेमिंग भाई जो जुड़े हुए, इंग्लिश में थोड़ा इंटरव्यू किया जाए करके, नो इंग्लिश, नो 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 नो, जस्ट फ्यू क्वेश्चंस। मैं हूँ टीटू भाई, मैं हूँ आपके साथ, मैं समझा दूंगा हिंदी में, मैं हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर, थैंक यू। नहीं यहाँ पे दैट्स नॉट पॉसिबल, बट ठीक है चले कोई बात नहीं, यहाँ पे इधर इंग्लिश इंटरव्यू नीडेड, ओके सो लेट्स गो अप बेटर इंग्लिश एज वेल। सो टीटू ओवर हियर, देयर्स जस्ट गॉट बी 2-3 रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, लाइक जस्ट यू नो from this particular perspective of yours, like in this game, particular game, like where did you started, and just can you just summarize this particular match in your words? कुछ भी बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए भाई, इतना इंग्लिश मत बोलो यार, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे अबे यार किससे पूछ रहे हैं, मैंने बस आपसे वही पूछा था कि एक बार के लिए कि आपका जो ये पूरा मैच का जो है, मतलब जो मैच है आपका ये पूरा मैच, वो बस छोटा थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करने का, बट आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था स्टार्टिंग में, मैंने वही क्वेश्चन को बस इंग्लिश में पूछा था, बट चले कोई बात नहीं, एक बार के लिए आईडी पासवर्ड जो है वो भी यहाँ पे इधर दे दिया गया। अरे इनको इंग्लिश समझ, इंग्लिश में इंग्लिश में इशूज है भाई, इशूज है। यू आर अ गुड क्वेश्चन मयूर सर, उकसा रहे इनको जानबूझकर इंटरव्यू लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वेल यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे इंग्लिश कोचिंग क्लासेस जो है, मयूर इंग्लिश कोचिंग क्लासेस यहाँ पे काफी जल्द स्टार्ट होने वाले, तो किसी को भी एडमिशन लेना तो यहाँ ले सकते हैं, टीटू भाई सबसे पहले एडमिशन लेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट लेने वाला जी हाँ, तो चलिए आईडी पासवर्ड जो वो इधर आ चुका है, आई होप कि आप जो है यहाँ पे एक बार के लिए स्ट्रीम पे हाइड करके आईडी पासवर्ड डाल के रूम ज्वाइन कर लेंगे। एंड वेल यहाँ पे हमने तो बहुत कुछ मास पे यहाँ पे मैं तो स्पेशली यहाँ पे दिख नहीं पाया था ड्यू टू दैट इश्यूज, बट आई होप कि आपका जो ये आगे के मैचेस वो भी काफी अच्छे जाए, आज हमारा D3 रहने वाला और भी 2 दिन बचे, तो आपकी जो टीम है गॉड लॉस की जो टीम है ऊपर आते हुए देखने को मिले, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट लास्ट विनर चिकन डिनर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एंड वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, मिलते काफी जल्द, थैंक यू, मिलते बाय टू बाय, वापस मिलेंगे, यस यस, बाय 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 बाय। ओके सो वेल यहाँ पे एक बार के लिए मयूर भाई गॉडल यहाँ पे लॉज भाई, आपकी जो इच्छा थी तुम्हारी जो इच्छा थी कि इंग्लिश में इंटरव्यू करवाना चाहते कर ही दे तो है, वेल दैट्स अ बिट ऑफ रैंडम गुजराती एज वेल मिक्सिंग, बट चलिए कोई बात नहीं, एक बार के लिए सारे लैंग्वेजेस जो यहाँ पे इधर एकत्रित होते हुए देखने के लिए मिल चुके हैं। अभी मेरी आवाज कितनी अच्छी आ रही बता दी जान, थोड़े लोग यहाँ पे कह रहे थे कि 2 रुपए का माइक, तो वेल यार हाइपर एक्स का माइक है, इतना भी ऐसा 2 रुपए मत बोलो, लगता है मेहनत से दिया बट कान में से एक्चुअली खून निकाल दिया था आपने, और मैं जनता की, मैं जनता की बात समझ सकता हूँ, मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि जो 2 मिनट तक भौकाल मचाया हुआ पैवर्टेड भाई, सीरियसली तब उतने टाइम के लिए तो 2 रुपए का माइक ही था वो, ओ उतने टाइम के लिए
वेल चलिए कोई बात नहीं, एक बार के लिए अगर हेडफोन्स यहाँ पे इधर कोई चाचा पंजाबी में दे रहे हैं हमें यहाँ पे इधर पिछवा देते कोई बात नहीं, हम सर से यहाँ पे ले लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार के लिए अगर बात के लिए जाए तो ब्लैक लॉट देख लीजिए, हमारा जो पहला मैच उसकी समाप्ति हो चुकी है भाई, बंगार मैच गया भाई, बहुत बंगार मैच गया भाई। मैं बोलूंगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स बहुत बेकार थे, बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हैं अभी, कुछ कर नहीं सकते। थोड़े की हील बैटल करूंगा मैं, सीधी बंदे मारा चाचा, अभी से फर्स्ट एड करते हैं ना यार। भाई क्या यार, इतना पता क्या करना था वहां पे, उसको पहले ही भेजना था, बहुत लेट भेजा गया संजीत को। अरे आप लोग बहुत जल्दी चले गए, तुम कुणाल गया तभी मैं उसके पीछे गया, मैं नहीं जाता फिर पंगे, मैं तो वेट ही करा उधर बीच पे खड़े होके। अबे तुम लोग वेट वेट बना सकते थे, गाड़ियां घुमा सकते थे, तब संचित नॉक निकाल सकता था, तुम लोग बिना नॉक तो कॉल देना, तू कॉल देना, तू क्यों है? मैंने और क्या बोला, मैंने आगे जाके नॉक निकालो पहले बोला ना, स्लैम तो आप लोगों ने अपने मन से कर दिया। चारों बंदे कवर में चले गए, फिर कहां से नॉक निकालते बता? वही तो गाड़ी घुमा लेता, लेफ्ट राइट चले जाता, कुछ भी उनके स्मोक से निकल जाता, आगे चले जाता, थोड़ी सी गाड़ी चलाई इतने में तो ये नॉक ही हो गया, फिर बाद में ठोका जैसे स्लैम दिया तब नॉक हुआ। नहीं मतलब हम गाड़ी लेने आधे रास्ते में थे तो वो तब नॉक हुआ, स्लैम दे चुके तो उसके बाद नॉक हुआ। नहीं मैं तो चैट में पूछा था उसके भाई, देखो सीन क्या था, जो बंदा ओपन आया था उसको नेड मारने को मेरे तरफ से ही, मतलब देखो तू नॉक हुआ, मैं तेरे को तो कुछ बोल ही ना, तू रहने दे, तेरा चैप्टर क्लोज है, तू तो रहने दे भाई, तू किसी काम का नहीं रहा। उनको भी दिख रहा है भाई वो नॉक निकाल के ही आने वाले, वो क्यों ही करेंगे। मेरा पॉइंट बस ये है कि इसको पहले ही बिठा देना चाहिए था उधर, कोई बात नहीं अब छोड़ो। वेयरहाउसेस कौन लूट रहा है? कौन माइकल आ रहा है? ये वेयरहाउस तो रोज लूटता हूँ, पढ़ मार उधर। एक समय हुआ करता था भाई, सिर्फ बहन को फातिम जोन करता था, सिर्फ फातिम, तो समय कब आएगा? मैं फर्स्ट एड कम कर दी गई इस बार, आई गॉट सप्लाईज, कम ही कर दे भाई, बहुत देख। हां मैं डैमेज ही बढ़ा दे, हम तो बोल रहे हो साला, वो कल जो मैच खेल रहे थे हम लोग उसको ऐसा डैमेज कर दे भाई, मारो भाई चेट, आई गॉट सप्लाईज, अरे हिल बैटल लग जाते भाई, रिसीव 1 rupee ऑन गूगल पे। ये तो कोई चार मैच में से विकेंड ही नहीं डाले, चाइना को विकेंड ही दोनों तो दे भैया। चाइना की जो विकेंड ही रिसीव 1 rupee ऑन गूगल पे। वो भी हो सकता है। आई गॉट सप्लाईज। अबे किसी ने देखा था साइनोक में आईएम की जो कौन आया था कल? Received 1 rupee on Google Pay. I got supplies. निकल सकते हो गाड़ियां देखना उधर, और निकल निकला कहां से, ब्रिज से निकला क्या? हां कैंपर कौन बोला? कोई नहीं बोला, मैं तो कैंपर से नहीं बोला, ये क्या करती है कैंपर? मैं बोल रहा हूं अपने आप को कैंपर। हां वो अपने आप को बोल रहा है। एक फर्स्ट एक नहीं मिली, चलो आओ जल्दी आओ,
गाड़ी है मेरे पास, एक गाड़ी है मेरे पास, दोनों के पास अलग अलग है, एक ही है, अलग है, अलग है। अरे रुक जा, ऑप्शन नहीं है। भाई कितने कमाते हो? नहीं कमाता हूँ ब्रो, जीरो। दो ही पॉइंट के लिए वीडियोस डालने पे कमाई होती है, आई एम आई डबल एम स्ट्रीम से कमाई नहीं होती, और ये कोई सार्केज्म नहीं है, कोई वो नहीं है, ये रियलिटी है। जाते रहो, आगे जाओ, मैं पैदल आ रहा हूँ। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, खुला है, एक खुला, पीछे का खुला एक। देखो देखो, घुमा के स्काउट कर लो एक बार, रुक जाओ। गाड़ी घुमा रहा हूँ पीछे, आगे वाले पीछे, आगे कंपाउंड की स्काउट करो ना, ये भी टेक मार्क द लोकेशन भाई। आगे वाले लूट रहे होंगे, बोलो भाई इसमें आगे जाके एकदम रिच पे खेलो, आगे वाला कंपाउंड नीचे का लूट रहे होंगे। अच्छा या तो गाड़ी आगे ले जाओ, हमारे पीछे घुमा रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ? बाद में जल्दी घुमा, बैठो बैठो गेम पर। हमारे पीछे बूस्ट दे रहे हैं, बूम अबे सब खुला है, गेट वेट खुले हैं, बूट कैंप वाला पार्ट हो रही है, नीचे बंदे, नीचे बंदे फाइट हो रही है। Watch out. यहां से या फिर कहां से चली पता नहीं, इधर इधर से चली, इधर चले, इधर चले, ब्रिज से चली है, यहां बाइक लगी है, देखते रहो देखते रहो। घर पे पक्का कोई है, सुनो वो देखो क्या कहते हैं, बूट कैंप हिल बोल चुका मैं दो बार, जाओ वहां पे, वहां पे जाएं, हां जाओ, गाड़ी गाड़ी से पड़ेगी, इस वाले कंपाउंड में, नीचे वाले कंपाउंड में तेरी माँ का भूख खड़ी चली थी, गाड़ी चेक कर, अबे क्या मार रहा है, गाड़ी चेक कर जल्दी कर, कहाँ से मार रहा है, उधर ही बूट कैंप की पीछे कर, पीछे हीलिंग है कुछ नहीं ना, एक ही फर्स्ट एड लगाओ ना, ये ले मैं दो फर्स्ट एड गिरा रहा, ले लो। नीचे वाले कंपाउंड का क्या सीन है, बंदे है क्या, बंदे हैं नीचे, अरे गोली चली है उस तरफ से, एक अंदर रेंज पर से चली थी, पता नहीं अरे उसी एंगल से चली थी भाई, इसको देखो ना यार, ये देख इसको ढूंढो बे, ये कहां से मार रहे तुम दोनों, उधर हम है नहीं, देख रहा हूं ऊपर से गेम से मार रहा है ये भाई, हां वो पहाड़ ऊपर पत्थर से, ऊपर पत्थर से, कौन सा वाला पत्थर है, mark the location 66 ये कोई और मार रहा है क्या? हाँ वही मार रहा है, वही है कोई और, mark the location, नीचे कंपाउंड दो जन डालोगे, गाड़ी खाली है, खाली लग रहा है, कोई पीक ही नहीं करा तब से, तुम लोग गोली चला रहे हो, ये कंपाउंड डाल के देख ले, कवर दे रहा हूँ वहां तक, तो मार्क द लोकेशन, सामने वाले में हो सकते हैं, वहां नहीं खाली नहीं है, आगे रिलीज पे गए, इतनी फर्स्ट एड थी क्या इन पे, मैं गाड़ी ला रहा हूं संचित, तू चल, ये
आ गए तुम लोग? आगे हिल जाऊं कवर देगा ऊपर से चली थी गोली, मैं फिर बता रहा हूं ऊपर ही गोली चली थी। बिना गाड़ी के, बिना गाड़ी के खेलो, हम मेरे मार्कर तक बढ़ते रहना हमें, ठीक है? ये गाड़ी भी लैम्बो भी चलने के लिए जंप फिस्ट कोई जंप फिस्ट करते चलते रहो थोड़ा। मैं भी आऊं क्या? सब सब गाड़ी नहीं चाहिए ना अपने को? नहीं, एक पीछे स्काउट रखेगा पूरे टाइम, देख रहा हूँ। राइट से बच के ठीक है, मैंने पत्थर मार दिया था ना पहले एक टाइम। यहाँ चल, पहले यहाँ चलिए। Watch out! लेफ्ट से। देख मैंने एक पत्थर मार किया था, लोग अपनी रीसेंट्स में जाके देखोगे ना, उस पत्थर पे बंदा बैठा हुआ था, वो शायद अभी भी वहीं बैठा हो। अगर उसका हमें उसका यहां से एंगल आ गया ना, मैं दोबारा मार करता हूं। वो पत्थर, हां रुको, देखो पत्थर है, ये पत्थर है। वॉच आउट। नहीं बाइक लगी है यहाँ पे, वहीं पे तेरे मार, मेरे आगे बंदे आओ। पैराडाइज नहीं जाना ना ब्रो, मैं पैराडाइज जा रहा हूं, नहीं जा रहा, नीचे वाला कंपाउंड देख रहा है, पैराडाइज के आगे हो रहा है वाला कंपाउंड, साउथ देख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वहां से ओपन हो जाएंगे ज्यादा, कोई देख नहीं रहा है, वो मुक्का मार रहा है। चल जंप फिश करता जा रहा हूं ना, कंपाउंड में होना ऐसा हूं, ये लोग भाग रहे हैं, मुझे भाग गए लोग ऐसे, नहीं है ना कोई, देख रहे हैं ले लो ले लो ले लो, अभी लो ना अपन तो बूट कैंप वाले आ सकते हैं इधर, कहीं फाइट हो रही थी ये देखना, ये पत्थर वाले क्रॉस कंपाउंड में आएंगे, नहीं ये क्रॉस कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं हाइट के बाद, देखते रहना। मैं 3 एक्सपर्ट है किसी के लिए, गाड़ी आ, देखो गाड़ी, ये देखो आ रहे किधर, ऊपर गया, ऊपर गया, इधर आ रहे किरा, हम ना पकड़ ले वो जगह, पकड़ेंगे ना अभी रोड क्रॉस, देखो और भी आएंगे, और भी आएंगे, अभी एक ही आया इनका राइट साइड, हां 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 बूट कैंप की तरफ से है, लेफ्ट से फायरिंग हो गया, आ गए, एक स्कूटर भी आ गया, ये लोग आ ही गए, फाइट हो गए इधर, वो लोग देखते हैं इनका नॉक आउट निकालते, देखते वो लोग लेफ्ट से नहीं गए पर यहां से गए, यहाँ तो होल्ड कर रहे हैं ये लोग, ये तो होल्ड कर रहे हैं अभी, पता है पत्थर, ये लोग यहाँ एक टीम है, ये हिल की साइड पे, ये ऊपर वाले कहीं भी शूटिंग स्टार्ट करे तो हमें क्लोजिंग करना पड़े। वो एडीएस लेते रहोगे, सुनो यहाँ से एडीएस लेते रहोगे, मैं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मतलब मेरे पे नहीं आएगा ना, पीछे देख रहा हूँ, पे तो एक दूसरा कंपाउंड देख, तेरा पीछे वाला कंपाउंड देख, एंगल नहीं है मेरे को, जहाँ से स्कूटर वाला है, मैं देख रहा हूँ, तू देख ले संचित, ये वाला कंपाउंड मेरा मार्कर वाला कंपाउंड देख, मेरे पे मेरा झाड़ वाड़ आ रहा है, तो इधर आना, जा रहा है राइट, यहाँ बोल रहे हैं, राइट ही बोल रहे हैं, तो झाड़ आ रहा है पूरा, एंगल बना कहीं और से, तेरा उससे आगे मेरे को एंगल नहीं है, मेरा देख एंगल है मेरे पास है, क्या सीन है, कुछ है फुट शूट, रुक जाओ अभी, अभी नहीं है फुट, एक लाख नहीं 1 करोड़ मिलता है मुझे यूट्यूब से, गाड़ियां की यही है बे, आरबी मेरे मुंह पे खड़ी हुई है, बंदे नहीं है, कैम कर कैम कर, आई एम, रुक जाओ पीछे स्काउट रखना है, पीछे दो चटने दो एक बार, ये लोग आए शायद आरबी, आरबी पे तो निकाल भी दूं एक,
थोड़ा क्लोजिंग कर लूं क्या हाफ वे? हाफ वे कर लो, जंप फिश, जंप फिश करना, फिश का बटन दबा के रखो, जंप करते रहना फिर नॉन स्टॉप। वो आगे ही लड़ रहा है, वॉच आउट, फाइट कर रहा है, आगे है जोन। अरे चाचा फूट गए रहे पूरे वैसे। ये लोग यहाँ फाइट कर रहे हैं, ये साइड जो होती है ना, बस यहीं रुको। सुन सुन, यहाँ आगे जो एक बीच में रास्ता होता है ना, वहां से ये रिच पे फाइट कर रहे हैं ये लोग। तुम लोग लेफ्ट से आओ, थोड़ा एंगल बनाओ इनपे, और लेफ्ट से अगर ये लोग डाइवर्ट करेंगे तो हम मार देंगे। अगर हम लेफ्ट से आए ना तो ये मारेंगे। तो आ जाओ इतने पे, आओ सीधे, जल्दी आओ। हाँ संचित, साला कहीं दिख ही नहीं रहे ये लोग कहाँ हैं। पत्थर के बेंच पे कहाँ बैठे पड़े हैं ये? पहले ही पोजीशन पकड़नी पड़ेगी गिरा। ओ भाई ये क्या, भाई कैसे जाना पड़ेगा आप लोगों को, इधर जाना, इधर जाना पड़ेगा। जाओगे एक जन? हाँ हाँ जाओ, जा रहे हैं। चाचा ऊपर देखो, उधर आप देखो, उधर इधर देखो ऊपर। मैं लेफ्ट जाऊं पूरा, मैं थोड़ा लेफ्ट से जा रहा, लेफ्ट देखना, वॉच आउट। कोई कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा देखो एक मेरे ऊपर एडीएस रखना भाई, आया। हाँ देखा, आया लेफ्ट में, इसके ऊपर ही है, कूद रहा है। किधर पत्थर पे? राइट वाला नॉक है मेरे ऊपर, ऊपर दो बंदे ऊपर से एडीएस चाहिए। जोन में अपन वो चीज का, ये रहे, ये रहे, वॉच आउट। कहां रहे? यहां पे है, देख रहा है आपका, आपका बैक देख रहे हैं। थोड़ा आगे चल कीरा, थोड़ा आगे चल, एडीएस इतना है ना इनको, वो साइड पुश करो। क्या लेटा पड़ा है यार, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया रिवाइव। लास्ट बंदा, लास्ट बंदा इनका, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, प्रेशर बनाओ। पेड़ पे खड़ा है, चलो फर्स्ट एड उठाओ, सारे फर्स्ट एड उठाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। फर्स्ट एड है ही नहीं, फर्स्ट एड नहीं, नहीं है फर्स्ट एड, नहीं है फर्स्ट एड, निकल इनका फर्स्ट एड का मुरसर रखा है ना। निकलो, भागो भागो भागो, मेरे मास्टर की तरफ भागो, जल्दी भागो, भाग ही रहे। कंपाउंड में बंदे होंगे, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लड़ेंगे वो, भाग के रहो। नॉक दे के ऊपर वाले को, निकलो निकलो अभी, नहीं शूट नहीं करना, शूट नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है, इनके जाना है पहले, कैसे पड़े यार, नहीं होगा, रख दो कंबो, वॉच आउट, निकलते रहो दोस्तों, निकलो कोई नहीं। संजय तो आ गया ना, इस गेट पे कवर रखना पूरा, ठीक है ठीक है, रुक जा एक जगह, बस कवर रख, होल्ड कर लो आराम से जाना। हाँ हाँ ब्लू जोन अभी दूर है, इजी बॉयज। पहुंचो, निकलो, कवर दे रहा, जाओ जोन, जाओ क्रॉस करो, राइट से जा रहा, राइट से जा रहा, हील कर रहा हूं, मॉली पड़ी है मेरे मुंह पे, लक्ष्य राइट से पड़ेगी, नेट कर ले, ठीक है बैठे हैं भाई जोन के बाहर पूरा, ये लोग ये बाहर खड़े हैं यहां पे, तेरे लेफ्ट में, राइट पे देख, राइट पे देख, क्या कर रहा है संजीव,
उधर देखना जो तेरे को पीक दिख के लेके देख रहा है। क्लोज में भी है ना भाई। अरे चाचा दोनों साइड खड़े हैं, उधर देखोगे तो उधर वाला मारेगा, इधर देखोगे तो उधर वाला मारेगा। आराम से लगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उधर चला गया, इधर गेट पे बैठा हुआ है, ऊपर से मार। I need a weapon. ये कर सकते मल्टीपल बैटल्स अलग अलग लोकेशन पे चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए सर्कल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे रहने वाला है। मयूर गेमिंग जो अक्सर हमें हील बैटल में देखने मिलते हैं, यहाँ पे ज्यादा हेल किट्स नहीं है तो डेफिनेटली हील बैटल में जो है सहभागी नहीं हो पाएंगे इस मैच में। अगर बात करें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे हील बैटल्स पे अगर ज्यादा गौर करेंगे तो। एंड सर्कल की बात करें, सर्कल ने एक नई करवट यहाँ पे जरूर से लिया लेकिन 4 सेकंड के बाद वापिस से उन सारी टीमों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बट जो अभी फिलहाल सर्कल के बाहर रहेंगे एंड डैमेज यहाँ पे इमेजिन करिए, लाइक डैमेज भी यहाँ पे इंक्रीज होता नजर आएगा। Well, exactly, damage तो increase होने वाला क्योंकि जो पांचवा सर्कल है वो श्रिंक हो रहा है, छठा सर्कल बनने वाला है। एंड वेल रेक्स की बात के लिए जाए वो दूसरा वाइपर को पिक ऑफ करते मिल जा रहा है। टीम फंसते जोन यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या में फंसते हुए देखने का मिल जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे बीटीएस के प्लेयर सामने की तरफ रहने वाले आयुष पिक ऑफ कर पाएंगे मास्टर जोन वर्सेस रेक्स वर्सेस आयुष यहाँ पे चलता देखने का मिल रहा है। शायद को पिक ऑफ करने की कोशिश मास्टर जोन बहुत ज्यादा लो एचपी नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। इधर हाइड्रो गॉड की बात कर लीजिए आखिरी सोलो प्लेयर यहाँ पे शॉट्स ले जाएंगे, एक शयान को नॉकआउट किया है आयुष यहाँ पे रहने वाले। आयुष को यहाँ पे सामने से जायरो गॉड पीछे से जोन बट जायरो गॉड ये क्या किया, अपना कोर एक्सपोज किया, डैमेज ज्यादा लिया एंड गेट्स एलिमिनेटेड ओवर हियर। एंड फिलहाल के लिए वेल पूरी की पूरी टीम मस्ती जोन जो है यहां पे 11वें पायदान पे टॉप 10 में भी जगह नहीं बना, पर फिर पीछे की तरफ से वेल लॉकआउट होते तो मिल जाएंगे टीम डायनामो बहुत ज्यादा समस्याओं में। डेंजर की बात कर ले जाए आखिरी सोलो प्लेयर यहां पे जीवित रहने वाला है। टीम ऐसे बहुत धीरे धीरे करके काफी अच्छा पोजिशन अपने लिए बना रही है। ओके SMR गेमिंग की बात कर ले जाए तो वेल SMR गेमिंग की यहाँ पे यामा जो है वो आखिरी सोलो प्लेयर रहने वाले हैं। 12 फर्स्ट से लेकर चल रहे ब्लैक डॉट, एम आई ऑडिबल या फिर मेरा माइक वापस से जा चुका है? जनता मुझे ये जानना है कि क्या हुआ है, ब्लैक डॉट कुछ बोल नहीं रहे तो वेल शायद से मेरा माइक यहाँ पे या तो इशू दे रहा है या फिर नो क्लियर। अभी तो फिलहाल के लिए एक बार के लिए मेरा माइक मुझे ठीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू द OBS, बट चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इधर BI के प्लेयर्स की बात कर ले जाए, आर्थर की टीम की बात कर ले जाए तो वेल संचित को भी एलिमिनेट कर ले जाएगा। कीरा की बात कर ले जाए आखिरी फर्स्ट एड न्यूक्लियर यहाँ पे स्पॉट करेगा, स्टडी टेक डाउन भी करते को मिल जाएंगे। डेंजर की मीनवाइल बात कर ले जाए वेल डेंजर यहाँ पे धमाका फोड़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। SMR वेल SMR मैच के बाहर होते हुए देखने के लिए मिल चुके, थोड़ा सा यहाँ पे इधर अच्छे खास यहाँ पे पोजिशन पे एलिमिनेट हुआ, धीरे धीरे करके पोजिशनल पॉइंट्स यहाँ पे गेन कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जाने की जो कोशिश है वो चल रही है। वेल वाल रेक्स की बात कर ले जाए आखिरी प्लेयर वेल नहीं रहने वाले, आयुष भी जीवित है बट आयुष दूसरी तरफ है। शयान को रिवाइवल, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी हैपनिंग एनी टाइम सूनर। ओके ठीक है चलिए यहाँ पे इधर ब्लैक डॉट का यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का शो हो चुका, मैं एक बार के लिए टेंशन में आ गया था कि चल क्या रहा करके। आई वाज एक्चुअली वरीड बट यामा अभी भी जीवित है वेट अ मिनट, मतलब टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्यारा परफॉर्मेंस जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंड वेल चलिए बात के लिए जाए न्यूक्लिया की तो उनको रिवाइवल की आवश्यकता रहने वाली, क्या मिल पाएगा? दैट्स गोना बी अनदर बिग क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो, दैट्स हैपनिंग। आयुष की बात कर ले जाए वेल एक प्लेयर को नॉकआउट करेगा बट रिटेलिएशन में उनको भी नॉकआउट कर ले जाएगा। रेक्स की बात कर ले जाए आखिरी प्लेयर फ्रॉम टीम हाइड्रा बीटीएस सर्वाइव करते मिल जाएंगे। आयुष को यहां पे रिवाइवल देने की पूरी पूरी कोशिश, टीम पास सामने की तरफ रहने वाले, क्या ये रिवाइवल मुमकिन होने देंगे? यहां पे एक और प्यारा ग्रेनेड आता तो मिल जाएगा, दिस कैन बी वेरी क्लोज कॉल बट नहीं। टीम अल्फा का जो आखिरी प्लेयर ड्रीम से उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। यहां पे रेक्स को भी डैमेज लगेगा, ग्रेनेड आएगा एंड सीधा एलिमिनेशन होता तो मिल जाएगा आखिरी के दो टीम एंड वेल 6 प्लेयर्स। क्या लगता है ब्लैक डॉट टीम गरीब वर्सेस टीम ब्लाइंड विलियंस, कौन जीतेगा ये मैच?
वेल देखिए बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आप बात करेंगे इक्वेशन की तो तीन वर्सेस तीन खिलाड़ी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे एंड सर्कल की बात करें ये कम्प्लीटली ओपन एरियाज में है। मीनवाइल यहाँ पे कुछ पेड़ कुछ पत्थर जरूर से आपको देखने मिल सकते हैं। टीम ब्लाइंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगी टोटल 11 कन्फर्मेशन के साथ में है एंड मीनवाइल गरीबों की टीम की बात करें तो इनके पास में 9 कन्फर्मेशन है, मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये दोनों टीम का डोमिनेशन कुछ एक जैसा ही यहाँ पे हमें देखने मिल रहेगा। लेकिन जब टक्कर ये दोनों टीमों के बीच में होगी तब डेफिनेटली एक का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है एक एक्शन हमें देखने मिल सकता है। यहाँ पे सुमित आपको देखने मिलेंगे तैनात है अपने पोजीशन पे सामने के प्लेयर्स को पिक करने की कोशिश की तरफ से आपको देखने मिल सकते हैं। नूबी की बात करें नूबी अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा छिपाए रखेंगे सारे प्लेयर्स की नजरों से। अब देखते हैं सबसे पहला वार किसकी तरफ से किया जाता है क्योंकि जो सबसे पहले यहाँ पे पिक निकालेगा एवर्टेट आई थिंक वो टीम के पास में यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा चिकन डिनर निकालने का। मीनवाइल मैं लाइक व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ क्या कर रहे हो गाइस, यहाँ पे सिर्फ 4,500 लाइक्स हो चुके हैं, वो भी 4.5 लाइक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट्स टेबल भी हम आपको बता देंगे डोंट वरी, लेकिन लाइक तो कर दीजिए स्ट्रीम पे। वेल मैच देखिए इंटेंस तो होती जा रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग भी थोड़े से इंटेंस हो जाओ लाइक रिलेटेड टू लाइक्स एंड लाइक्स कर दीजिए फटाफट से। गेमिंग टिपा आपको देखने मिल सकते हैं, टिपा भी लेटे हुए मैं बोल रहा था एवर्टेट की जैसे जो भी टीम सबसे पहला पिकअप निकालती है यहाँ पे वो टीम्स के पास में एडवांटेज रहेगा चिकन का क्योंकि वो टीम काफी आसानी से प्रेशर क्रिएट कर सकती है अपने अपोनेंट टीम के ऊपर। टिपा की एग्जैक्टली नजर आपको टीम ओबे की तरफ देखने मिल सकती है, एक भी प्लेयर को अभी तक नॉक नहीं किया गया लेकिन गेमिंग टिपा यहाँ पे स्वयं नॉक होते नजर आएंगे। नू भी यहाँ पे थोड़े से एक्टिवेट मोड पे जाते नजर आएंगे आपको। ऊपर से ब्लू की बात करें, ब्लू का एक अलग ही डोमिनेशन आज की मैच में हमें जरूर देखने मिला एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यहां पे आज के दूसरे मैच को जो है टीम ब्लाइंड निपटाते नजर आई है। तो डेफिनेटली आज की दूसरी मैच जो है ब्लाइंड के नाम जाती नजर आएगी, एक बहुत ही शानदार चिकन डिनर विद लाइक वन साइडेड डोमिनेशन आप बोल सकते हो। यहां पे और 3 कंफर्मेशन जुड़ चुके हैं बट उनके खाते में एंड लाइक टोटल 11 से 14 कंफर्मेशन हो चुके हैं उनके पास। वेल एग्जैक्टली एंड गाइस, जनता जिसने अभी तक यहाँ पे लाइक नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पे लाइक भी कर लीजिए, शेयर नहीं किया शेयर भी कर लीजिए। आज हम 5,000 लाइक्स भी हिट नहीं कर पाए अभी तक, तो क्या चल रहा है, दूसरा मैच खत्म होने वाला है एंड 5,000 लाइक्स नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे लाइक करवा दीजिए एंड वेल जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी किया, सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 170K का सब्सक्राइबर टारगेट रहने वाला है हमारा इस वीक के अंदर अंदर, तो जी हाँ 170K का टारगेट आई होप आप करवा देंगे एंड वेल 10,000 लाइक्स तो मिनिमम हो जाने चाहिए, 15,000 लाइक्स का टारगेट रहने वाला है। बट पहले पायदान पे बात कर ले जाए, देख लीजिए टीम ब्लाइंड जो यहाँ पे लेके जाते हो देखना मिल जाएगा फ्लैश के 5 किल, ब्लू के 6 किल, क्या था ये ब्लैक डॉट लाइक मतलब मैंने भागा खोल दिया। यस बिल्कुल धागे खोल दिए यहाँ पे बहुत लाइक डोमिनेशन की अगर बात करें तो सीरियसली एक वन साइडेड डोमिनेशन शुरुआत से लेकर आखिर तक यहाँ पे अपना बना के रखा था इन्होंने। नंबर 2 पे आपको देखने मिलेगी गेमिंग टिपा की टीम, वो एक गलती अगर ना होती यहाँ पे गेमिंग टिपा की तरफ से जो वो नॉक हो गए थे फाइट के दौरान एंड नॉक होने के बाद ही उनके ऊपर जो प्रेशर बनना था वो बनता नजर आया। यहाँ पे टोटल कन्फर्मेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 9 कन्फर्मेशन देखने मिलेंगे इनके पास में। नंबर 3 पे BTS की टीम, टोटल यहाँ पे आपको 5 कंफर्मेशन के साथ देखने मिलेगी। नंबर 4 पे यहाँ पे टीम ऐसे मार आते नजर आएगी, नंबर 5 रहने वाला है यहाँ पे टीम अल्फा के पास, नंबर 6 पे आपको यहाँ पे डायनामो की टीम देखने मिलेगी एंड नंबर 7 पे IWL के प्लेयर्स। वेल एग्जैक्टली यहाँ पे बाकी के स्टैटिस की बात कर ले जाए तो देख लीजिए यहाँ पे लॉल्स की टीम में से लॉल के भी 5 फिनिशेस थे, जी हाँ लॉल्स के पास थे। यहाँ पे टीटू की बात कर ले जाए तो उनके 2 थे एंड स्किप्स की बात कर ले जाए तो उनका 1 था, तो टोटल उनके भी 8 फिनिशेस रहने वाले हैं। बाकी आर्थर की टीम की बात कर ले जाए थोड़ा सा आज के दिन परफॉर्मेंस डिप देखने के लिए मेरा थोड़ा अर्ली एग्जिट ले रहे हैं, अभी भी 2 मैचेस यहाँ पे बचे हुए हैं ब्लैक डॉट, तो ये 2 मैचेस में कुछ भी हो सकता है बट 9th पोजीशन 5 फिनिशेस स्टेबल आप गेम प्ले जो यहाँ पे किया सकते हैं। थोड़े वेल जो रेशियो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ा जरूर से क्योंकि यहाँ पे टॉप की टीम है एंड हमें 9th पोजीशन पे देखने के लिए मिलेगा, तो आई एम नॉट हैप्पी बट वेल चलिए डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट। अब जो टॉप पे जो आते हैं वहाँ पे से काफी जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी के स्टैंडर्ड्स की बात कर जाए आप स्क्रोल डाउन होते हुए चेकआउट कर सकते हैं एक बार के लिए, बट वेल थोड़ी बहुत टीम्स है जो काफी अर्ली एग्जिट ले चुकी थी। बट स्टार्ट द मैच की बात कर ले जाए हियर इट कम्स ब्लाइंड ब्लू गोइंग ऑल आउट वाला जो अचीवमेंट उनको मिलता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा विद 6 फिनिश। बेस्ट कंपेनियन की बात कर ले जाए तो यहाँ पे रहने वाला टीटू के पास फॉर 3 रिवाइवल्स एंड ओबे के फ्लैश की बात कर ले जाए तो देख लीजिए फिनिशर फाइनल एलिमिनेशन जो है वो लेके जाते हुए देखने का मिल रहा है हमें।
बिल्कुल ब्लू की बात करें, पर्टिकुलरली इस प्लेयर के पास आपको 6 फिनिशर्स देखने मिलेंगे, 2 का बोनस यहां पे जुड़ रहा है, 772 का डैमेज भी यहां पे डील किया था अपने ने, अपने एनिमीज को आप बोल सकते हो या फिर लाइक अपोनेंट टीम्स के प्लेयर्स को भारी नुकसान में डालते नजर आए थे हमें ये ब्लू। साथ ही साथ लाइक बात करेंगे T2 की, तो T2 बेस्ट कंपेनियन का रोल शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपने टीममेट्स के लिए निभा रहे थे, 1 असिस्ट 3 रेस्क्यूज आपको इनके पास में देखने मिल सकते हैं एंड इनकी खुद की हेल्थ रिस्टोरेशन 254 की रहने वाली है इस मैच में। सर्वाइवल टाइम 1036 का यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे बात करेंगे फाइनल एलिमिनेशन की, तो यस फ्रॉम टीम ओबे आप बोल सकते हो, यहाँ पे टीम ब्लाइंड की तरफ से फ्लैश थे जिनकी वो आखिरी बुलेट निकली थी, डेफिनेटली 5 फिनिशर्स के साथ में काफी बढ़िया सपोर्ट अपने टीम के लिए निभाया यहाँ पे। साथ ही साथ 3 असिस्ट आपको देखने मिल सकता है, 3920 का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, मतलब रोटेशंस भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे संभाली थी ओबे ने। सर्वाइवल टाइम 1277 का यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। वेल एग्जैक्टली एंड वेल, ये तो थे हमारे सौ द मैच। दूसरे मैच के तो 2 मैचेस आज के दिन के समाप्त हो चुके, हाइड्रा ऑफिशियल प्रेजेंस हाइड्रा एलाइट कस्टम्स, वीक 4 डे 3 मैच 2 समाप्त हो चुका है। आज के दिन के 2 मैचेस मैच 3 यहाँ पे इधर, वेल कौन से यहाँ पे मैच 3 है, वेल मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ, तो स्केड्यूल के ऊपर यहाँ पे एक बार के लिए नजर घुमा लेते, देख लेते यहाँ पे क्या रहने वाला। तो मीरामार का यहाँ पे 3रा मैच रहने वाला, चौथा रैंगल का, तो वेल रैंगल चलो की समाप्ति, मीरामार रैंगल यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, देखते किस प्रकार से जाता है आगे के 2 मैचेस तक। बिल्कुल रैंगल तो आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एडिशन रहने वाला है उन सारे टीम्स के लिए जिनका लाइक काफी बढ़िया कमांड जो है रैंगल में रहता है, जो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं एंड जिसको एक काफी बढ़िया तरीके से स्टडी या फिर आप बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन मीरामार लाइक रैंगल के लिए होती है, तो डेफिनेटली उन सारी टीमों के लिए एक एडवांटेज यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई टीम होगी जिसको रैंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वही मैप था जो सबसे पहले गेम में हमें देखने मिला था, लाइक इसी मैप से सबने शुरुआत की है एंड इसी मैप का हाथ पकड़ के हम आगे आए, तो डेफिनेटली हर एक प्लेयर को भले भांति इस मैप का नॉलेज है, कहाँ पे ड्रॉप लेना उचित रहता है, कहाँ पे ड्रॉप ना लिया जाए और कहाँ पे ड्रॉप क्लैश होने की संभावनाएं होती है, इस चीज का एक भले भांति लाइक यू बोल सकते हो आप इन्फॉर्मेशन हर एक प्लेयर को हर एक खिलाड़ी को होता ही है। तो ये सारी चीजें अब हमें यहाँ पे आखिरी मैच के दौरान विटनेस करने मिलेगी। लेट्स गो टू एवर्टेड पॉइंट टेबल, क्योंकि आपने वादा किया था पहले मैच के बाद कि हम पॉइंट टेबल जनता को दिखा देंगे, लीजिए आपके 5000 लाइक्स भी कंप्लीट कर दिए जनता ने। वेल तो यहाँ पे जो पॉइंट्स टेबल है ये पोस्ट मैच 1 रहने वाला है गाइस, यहाँ पर नॉट पोस्ट मैच 2, पोस्ट मैच 1 रहने वाला है। तो वेल पहला पोजीशन टीम आर्थरी पर करार रखते हुए देखने के लिए मिल रही है, बट 116 पॉइंट्स यहाँ पे उनके रहने वाले। टीम IWL का छलांग देखिए, सीधा 113 पॉइंट के साथ देखने के लिए मिल रहे हैं, 113 पॉइंट्स उनके रहने वाले। तो वेल 111 पॉइंट्स उनके रहने वाले, थोड़ा सा सिर्फ मात्र 3-5 पॉइंट का डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे टॉप 3 टीम्स के बीच में। बट चौथे पायदान पे टीम वर्सेस जोन गेमिंग विद 92 पॉइंट्स, BTS के प्लेयर्स 8th पोजीशन विद 87, यहां पर त्रिया में गेमिंग लड़ाई लग गई, अगली तो मैच कुछ नहीं गया मयूर के पास 58, इत बात कर ले जा लॉस गेमिंग विद 56 एंड 9th बात कर जा टीम डायनामो गेमिंग विद 53 पॉइंट्स। बिल्कुल एंड 10वें पायदान की बात करें, SMR गेमिंग आपको 49 अंकों के साथ में यहां पे आती नजर आएगी। 11वें पायदान पे टीम हाइड्रा पाइथन रहने वाले 46 पॉइंट के साथ, 12वें पायदान पे आपको सैवेज गर्ल की मैन ऑफ सेंड कर पाऊंगा, 13 पे आपको अल्फा क्लैशर की टीम देखने मिल सकती है, रेफरेंस मार लव यू में रहेंगे एंड 35 अंक। ए चिकन जी ये कुछ भी करो यार, देखो यार ऐसा नहीं होता यार, कनी हैशटैग 15 पे 33 हैक निकल गया, अभी आपने बोला कुछ भी करो, काफी बढ़िया यहां पे रहेगा इस मैच से 29 अंक एंड 16 पोजीशन अभी भी इनके पास में, लेकिन काफी बड़ी जगह थोड़ा सा मुझे आगे टीम ऋषभ की बात करें शाशा आने लग गया गुच्छा 28 पॉइंट्स के साथ में एंड हैशटैग 18 पे गॉडल क्रो की टीम विद टोटल 22 पॉइंट्स। वेल एग्जैक्टली यानी ये तो थे यहाँ पे दैट हमारे जो पॉइंट्स टेबल यहाँ पे पोस्ट मैच 1 के, पोस्ट मैच 2 की बात कर ली जाए तो वो भी पॉइंट्स टेबल काफी जल्द आते हुए देखने का मिल जाएंगे। पॉल यहाँ पे कह रहे ब्लाइंड ओपी कर दो चैट, तो वेल एग्जैक्टली एक बार के लिए ब्लाइंड ओपी इन द चैट भी कर लीजिए, समा तो चल ही रहा है, डेंजर ओपी भी चल रहा था, डायनामो भी चल रहा था यहाँ पे, बाकी सारे टीम्स के यहाँ पे सपोर्टर्स आप भी यहाँ पे चैट पे अपनी फेवरेट टीम जो यहाँ पे स्पैम आउट नहीं किया तो स्पैम कर दीजिए। चले देखते हैं एक बार के लिए कौन से टीम का अच्छा डोमिनेटिंग है, जो भी टीम को सपोर्ट करते हो नॉट टुडे कर दीजिए, वो टुडे वेरी 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 बैड डे, एक बार के लिए टाइप करिए प्रॉपर 30 सेकंड के लिए, फिर वापस अगर आप लीड वापस आएगी आप अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बट वेल 5.1 के लाइक्स अभी तक मैं देख पा रहा हूं गाइस, जल्दी से तीसरा मैच स्टार्ट होने के पहले 6 के लाइक्स करवा दो यार, क्या कर रहे हो, बट जब हमारा पॉइंट्स यहां पे हाईलाइट्स है यहां पे लवी 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 जबी जबी तो ब्लैक डॉट क्या कहते हैं चलना चाहिए फाइनल ब्रेक पे।
बिल्कुल एक छोटा सा हाईलाइट ब्रेक लेते हैं गाइस, सीरियसली छोटा सा बोल रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूं, छोटा सा ही लेंगे एंड हम मिलते हैं यहां पे टीम ब्लाइंड्स के इंटरव्यू के साथ। संजीव फांडे हेलो, लेफ्ट फ्रॉम बी आई आल्फा 2 एसएमआर सपोर्टर्स कॉन्सेबल अभी दिखाया जाए। अदर हेलो ब्रो, लेफ्ट फ्रॉम टीम एसएमआर, थैंक यू सो मच संजय ब्रो राव। आपकी स्क्वाड में कौन एक स्पेसिफिक पर्सन है जो आपके अकॉर्डिंग भाग रहा है? हर कोई नहीं रहा। डिसीजंस थोड़े गलत हो रहे हैं। चलो थोड़ी शॉपिंग करते हैं यार। अब तो 116 से कम हो गया होगा, पॉइंट्स माइनस में थोड़ी जाते हैं यार। हेलो वेलकम, आई एम गुड, आप बताइए कैसे हो, व्हाट्स अप, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। जीतू हेलो, मतलब हैशटैग 1 से नीचे आ गए, हाँ हैशटैग 3 होंगे, दूध वाला नाम रखो। नो 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 Hashtag 2 नहीं, hashtag 3। अच्छा लग रहा है, आउट ऑफ स्टॉक।
एक लोडू था क्या हुआ वो हुआ तू नहीं हो ना लाइक कर दो पब्लिक लेफ्ट में बंदा है ये लोग आ रहे हैं अपने साथ लेफ्ट पे कौन आ गया भाई यस टीम इज देयर वॉच आउट ये तो एक है एक ही है उसको ले ना राइट में हवे में राइट में 30 सेल्सियस देखो मेरे पास वो बहुत ऊपर है वो बहुत ऊपर है ये आगे जा रहा है मेरे पास देखो मेरे साथ देखो मैं तो वही तो है ये एक ही तो बोल रहे हैं बाकी पीछे है इसके अब वो देख राइट साइड देख टावर कूद रहा भाई मैं ये कहां है ये मेरे पास बगी है ठीक है हवा में सारे दो दो विंचेस्टर ही मिल रही है मिल गई आपको तो मैं यूएमपी कहां मारूं इसको तब लगेंगी बॉडी खाया रे लगी नहीं रही बॉडी I got supplies. भाई वो छुप के बैठ गया यहाँ पे. Watch out. कूद तो नहीं गया नीचे. नीचे कहाँ कूदेगा और नीचे ही तो है वो पहले से. अच्छा ठीक. तो लूट अपना जल्दी लूट. I got supplies. सैनोक तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन मेजर मैप नहीं हो सकते लाइक तो 5 ऑटो नहीं मिली थी लूट हो जाए तो बताना एकदम बस डर नहीं है डाल ही ढूंढो I got supplies जस्ट कार ले उठा सीधा ओए हां
एक और मिले तो मार करना, बाकी ढूंढ रहा हूँ। पॉइंट्स कितने तेरे पास? कुनाल 10। जा शॉप पे जा, सारे उठा जल्दी। बग मेरे पास 7 है, ले ले। तो मेरी मेन बिल्डिंग लूट रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें मिल जाती है। जल्दी करना बे। बगी ले ले। Marked a vehicle. कहाँ पे? मैं लेता। मेरे को गाड़ी, गाड़ी पड़ी है कर। I got supplies. पड़ी है। Busters नहीं है यार। Shop कर रहा busters. Shop से निकाल। Shop पे इसका RL भी पड़ी है। यार इनके मुंह से गाड़ी उठाऊं कि नहीं उठाऊं? मेरे पास नहीं उठा, खड़ी थी लेकिन उनके मुंह पे। आ जाना भाई रिस्क। निकलो चलो आओ। कुणाल बग्गी, बग्गी का है। कुणाल को लेकर आ रहे हैं। जल्दी बताओ निकल रहे हो दोनों? हाँ क्या आओ। अबे यहाँ MZ उतरती है ना, छोटे कंपाउंड। हाँ मुझे उतरी थी, ये बात कभी दिखी नहीं। सामने रोटेशन जा रही है मेरे, ये बग्गी गई है। एक मिनट मेरे चुकाना जल्दी। चलो वही कंपाउंड से करने जा रहे थे। वेयर हाउस चिकन डिनर वाला कंपाउंड। ये पिकअप जा रहा है मेरे सामने से। नाइस वन। जाओ खत्म करो, फिर जल्दी जाओ खत्म करो। अकेला था BTS की टीम में नहीं है? नीचे देखो, नीचे कहीं कहीं वो पड़ा होगा आपके नीचे कहीं। Watch out! अरे वो वहाँ जा रही है। Watch out! Watch out! वो जा रही है, अभी भी जा रही है। ये देखो एक वो जा रही है। थोड़े क्या उसको? एक पिकअप आ रही है, ये पिकअप आ गया, इसको फोड़ना, पकड़ो। ये देखो ओपन फील्ड में। भाई तू तो पूरा अलग है, हम है ही नहीं इधर। बैठ हाँ मार रहे। Marked a location. हाँ मैं ले रहा हूँ। बैठ बैठ बैठ। वो जा रहा आगे, इसको फोड़ेंगे, इसको फोड़ सकते हैं। हाँ जाओ जाओ आगे जाओ ना। मार्क दे कहाँ पे? मार्क दे, मैं ये इसका पिकअप ले रहा हूँ। वो जा रहे, वो जा रहे। आपके सामने देखो। हाँ देखा 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 देखा। यहाँ से Watch out. यहाँ से निकलेगा तो। एड की भैंस की यहाँ। Watch out. निकल गया भाई वो। अरे गड्ढे में कूद जा रहा भाई वो। गड्ढे में कूद के था रहा। गड्ढे में से निकल गया। गली जो होती है वहाँ से। Watch out! इसको कहाँ मारा? मेरे को मार रहा है। उनको पीछे का देखना पड़ेगा। ये लोग यहीं रश कर रहे हैं क्या इन पे? हाँ उधर ही रुके हैं। मेरा डॉलर इन टॉप सिंगालों में तो रश कर सकते हैं। हिल जाएं? जाओ। हाँ इनके हिल पहुँच जाओ। पहुँच जाओ पहुँच जाओ। ज़ोन देख, ज़ोन देख। हाँ हाँ पहुँच जा। ठीक है। कोई लेफ्ट चेक करना। अच्छा मेरी बैक चेक रखना पूरे टाइम। मैं वही कर रहा हूं। लेफ्ट राइट बैक गाड़ी लगा के। लेफ्ट राइट बैक पूरे टाइम चेक रखना। अभी देख रहा हूं। तू नॉक निकाल। अच्छा ये वो ओपन से वहां पीक दे रहा है। ओके ओके इसको मार दे। दे मार्शल देना थोड़े। ये देखिए इस गाड़ी सेव करना है। स्मोक कर रहा है। देख देख दिख रहा स्मोक? नहीं इनके निकल जाओ। हम तो तुम पे आ रहे, पहाड़ से निकल जाएंगे। आओ पहाड़ से आगे जाओ।
निकल जाओ निकल जाओ यार, कॉल सुनो एक बार। चल 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 रे भाई, गाड़ी तक तो पहुंचने दे। तो सीमेंट्री वाला खाली दिख रहा क्या? हाँ दिख तो रहा है, एक गाड़ी उड़ा भी है ना। हाँ जाओ जाओ जाओ, नहीं वो स्पॉन है, जाओ। अच्छा स्पॉन है, चलो 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 चलो। राइट आओ राइट, अच्छा ये वाला कंपाउंड है। अरे यार क्या उठाएगा ना, डाल ले पट। मेरे को बिठा ही लेना, ये फ्यूल जाना। नहीं चलो, ये लो फ्यूल है अंदर, उठाओ भरो, दो फ्यूल दे दो। मेरे पे भी एक फ्यूल है, गाड़ी नहीं छोड़नी कोई। मेरे वाले पे भर दे कुनाल, तू अंदर पड़ा है ना, उठा ले। ले लो जाके फ्यूल भरना, अंदर वाला फ्यूल भरेंगे अंदर साथ में। ये ले, गिरा दिया एक तो, अगर उठाना है तो फर्स्ट एड है, यहां उठा लेना किसी को चाहिए तो। आई गॉट सप्लाइज, क्या करूंगा। फ्यूल भरना पहले अपनी गाड़ी, भर रहा हूं वही भर रहा हूं। पीछे स्काउट रखना, ऊपर स्काउट रखो सब। ऊपर से नहीं पढ़नी चाहिए मेरे को यहाँ से। पोस्ट बता देना। हाँ मैं देख रहा हूँ उधर, इधर से भी नहीं पढ़नी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तो बता दिया, अब देखते रहो, डिवाइड हो जाओ। यहाँ बंदे आए, मार्क द लोकेशन, कुछ तो दिखा मेरे को उधर। यहाँ बंदे आएंगे ना पीछे, तो मैं कॉल दूंगा, हट जाइयो फिर। कीरा हाँ हाँ हटे हम, ओबियस लेवल टू वेस्ट बताना, लेवल टू हेलमेट बताना। बंदे आ गए यहाँ पे, कीरा हट जा। ठीक है हट गया। ये क्या कहाँ स्काउट कर रहा है? इधर देख, वॉच आउट, वॉच आउट, वॉच आउट। ये हम पूरा एरिया देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट का। पत्थर पे आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, वॉच आउट, मिनी वाला वाला पिक नहीं दे रहा है, पीक ही करके बैठा है वो मिनी वाला। ये वाला पिक नहीं दे रहा लैपटॉप। होल्ड, बढ़िया जगह। मेरी तरफ से शायद बंदे आएंगे। हाँ बस बता देना, उधर तो फाड़ देंगे। ये निकला ब्रिटिश वगैरह, शायद ये सेंटर बीच वाला कंपाउंड नहीं होता, गंदा वाला। ये वॉच आउट, ये वॉच आउट, वो होल्ड करें। हाँ वहाँ पे तो बग्गी लगी है। हाँ ये लोग वहीं आए, वहीं आए ये लोग, वहीं आए। हाँ उधर, लेकिन वो घर गंदा है, लेकिन आई मिराडो भी आई, देख जस्ट आई। हाँ हाँ ये लोग पिकअप आएगा, देखते रहो पिकअप आएगा। दो आए हैं अभी तक।
चाचा आप ऊपर नहीं देख रहे? ऊपर देख रहा था वो, बट कंपाउंड में ही है। नहीं देखते रहो फिर भी, छोड़ो मत। मेरे पास एंगल बहुत कम है उसका। कोई बात नहीं, जाकर पीछे वहां से कोई और आए तो फाड़ना, ठीक है? हां ये नहीं, आगे बंदे वहां पे, वहां बंदे आ सकते हैं। पिकअप आया एक और, मेरे मार दो पिकअप लगाए ऊपर, यहां लड़ाई हो रही है। मार्क द लोकेशन। तब से वहीं तो बता रहे चाचा हम लोग। क्या बात कर रहे हो, तब से मैं देख रहा हूं उधर कोई दिख ही नहीं, उधर ही बता रहे हैं हम। एंगल लो है ना इधर, दिक्कत हुआ है। मार्कर्स देखा करो, मार्कर्स मार्कर्स मैंने भी कर रखा था उधर, मार्क मुझे लगा मेरा है। आगे बग गया मेरे रिच पे, ठीक है। वही लोग हैं, पूजी मत देना, वही लोग हैं। हां पूजी मत देना, कुछ मत करना। तेरी रिच लेफ्ट से तेरे मार्क ने किया है। कोई देखना मत, कोई मत देखना है, शायद स्काउट करना है, अगर आना चाहे तो आने दे। वो पीछे से पड़ेंगे वैसे कहीं ना कहीं से, थोड़ी देर में ज्यादा देर नहीं रुक सकता, वो रुक सकता है क्योंकि पीछे तो उसी के बंदे हैं, तो कहां ही इधर ही और से पड़ जाएगी तो लेफ्ट राइट की तरफ से पड़े पड़ सकती है, बेरो साइड ज्यादा पड़ सकती है। ADS कौन दे सकता है मेरे को उस रिच से? मार्क द लोकेशन। दे सकता है पूरा? ठीक है मैं ऐड करूंगा। रेडी? हां ब्रो जा। मैं पिन करा मैंने। बहुत ऊपर कर रहा है नीड, आगे नहीं, नहीं किया और आगे, और आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। छोड़ो, आया यहां पे, आया। वॉच आउट। आया है, मैं लो। अब दे कवर दे थोड़ा। 13 अभी भी बहुत वो कर रहा है, आगे है वो, वहां पे तो पीक करके भाग गया। रुक जा मैं हील कर रहा हूं ना अभी। करो दे रहा कवर। हां अब नहीं, अब खत्म मेरे ने अपना जोन है। ये पड़े इधर, होल्ड रखो एक मिनट पड़े। मेरा डो भी आ गए। अच्छा यहीं आ गए रिच पे, आवाज आई मेरे को हल्की सी, लेकिन उनका है बे जोन तो है। सुन कुणाल, अब तेरे को पीक नहीं देना क्योंकि वो तेरे नॉक का वेट कर रहे हैं, ठीक है? रुक मेरे को देखने दे, जरा पीछे आई ना मेरा डो। संजय कितने ने एक नेट गिरा? नहीं आई, नहीं आई, मेरा डो नहीं आई, वहीं खड़ी है। हटो हरी की, एक दे दे बस, ठीक है खेल अपना। यहां से एक बंदा पीक करे जा रहा है। वो भी नहीं आएगा, वो जोन में कोई भी नहीं। अरे आएगा नहीं वो, ये बग निकाला जा रहा होगा, वापस ही जा रहा होगा वापस। उसके पीछे पिकअप आ गया, पिकअप पे पूरी रोटेशन आ गई उसके पीछे। एक बग से भाग गया वो, हां वो वहां रुक गई पिकअप। एक मिराडो डाल दिया स्लैम डायरेक्ट, एक ऊपर से कवर लूंगा मैं, चलने जाऊं? नहीं ऊपर से कवर, ऊपर कोई कवर नहीं आएगा मेरे पे, एंगल बहुत लो है। फाइट हो गया, आरपीजी ड्रीम। जाओ 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 ब्लू जाओ। अबे यहां बंदा खड़ा है, कैसे कवर देगा उसके यहां? हमें ना जा, ठीक है भाई। जलता हुआ कूदा एक, ओबे फ्लैश मर गया एक तो है। अल्फा की टीम है ये, अल्फा की टीम है बे। अबे मेरा को ध्यान रखना, कीरा भाई वहां जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा इधर आओ ना, इधर लेटो मेरी जगह, यहां ही के बंदे दिख रहा है पूरा। मारना वापस आ रहा, आजा बग्गी आई पीछे, देखो मार्क द लोकेशन। अच्छा देखो तुम पे, रिच पे गई तब बढ़िया ना पड़ेगा इनसे। मैं ओपन हो गया हूं, आ दे रहा हूं, आ गया ना, अपनी खाना इनका नो। हां नॉक रश है इनका, इनके पीछे देखो और बंदे होंगे कहीं ना कहीं, रुके होंगे, पिट रहे होंगे। मैं देखो साइड छोड़ दिया हूं, देखिए ये देखो ओपन यहां पे, यहां पे आने का गाड़ी को ऑन मत दो, ये कंपाउंड से खाएंगे थोड़ी देर बाद।
इसका होल्ड कर लो बस। अपना जोन है वो, देखो वहां से एक बग्गी आ रही। वॉच आउट, सारी गाड़ियों के टायर निकाल के Marked a location. ये लोग मेरे आड़ो लेके लेफ्ट जा रहे हैं, ये लोग तो पता नहीं। इधर ये अल्फा वाली टीम ऊपर सीमेंट्री वाले उतरेंगे ना, हम ऊपर चढ़ गए हैं आपके टेक के। पीछे से मत खाइयो, कहीं से नहीं खाएंगे, बिल्कुल इधर आएंगे लंबे। वॉच आउट, वॉच आउट, उतरेंगे अपने पिछले वाले। देख रहे हो, ये देख, ये देख, हां दिख रहा है, वहां दिख तो इनको देख, मैं इनके तरफ मैं स्लैम संभालूंगा। वॉच आउट, अपने नेड और फर्स्ट एड्स रखना रेडी। ओ इनके भी बंदे निकल रहे हैं तेरा भाई, रहते तो बूस्टर्स है तेरे पे, एक्स्ट्रा तो दे दे मेरे को। जीरो है दाएं तू, ये रहा बाजू में, खेल ले पकड़। Watch out! ठीक है कोई। अरे चक्करें करेंगे। अरे मैं एक को मार रहा था, बेट कर रहा उसने। अरे तू जो पत्थर पे इस जोन पे है वो लोग नहीं आएंगे। दो बंदे, दो तीन बंदे, रुक जाओ वहाँ पे, दो तीन बंदे कर रहे। ओए किरण भाई क्या करना उधर संचित, तो तू देख। हाँ वो किल लो, किल लो, ये मार कर इसने, किल लो कुनाल। नहीं दिख रहा इसके पीछे, इसके पीछे रिज जाओ वहाँ पे। नॉक मत खाना बस, नहीं खाएंगे। मैं पूरे चार बंदे पिक कर रहा हूँ। हाँ मत करो, आप पीकी मत दो, आप पीकी मत दो, मत दो। मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। आपको सिर्फ टीपी पे रखना है। ये किल चुरा लिया किसने? चुराया ये किल? इन लोग ने। कौन सा किल? रेंजर लोग ने। नहीं हमने किल कंफर्म कर दिया। नहीं हम लोग कंफर्म कर दिए। इन्होंने फिर ऑल कर दिया, इधर मार दिया, इधर मर गया। हाँ इधर ही था मेरे मार्कर पे, पता नहीं। हाँ ये जो यहाँ साइड कहीं पे, हाँ यहाँ तो कोई नहीं था। हमने मारा वहाँ तो, हमने नहीं कभी ग्रीन धुआं देखा मैंने वहाँ पे उधर, अभी पता नहीं। और एक मैंने मारा उधर, कोई नहीं। जोन अपना है गाइस, अपनी साइड ही जोन है। इधर ऊपर बंदा, क्या हो गया वो ऊपर वाला? ये वही है डेंजर की टीम का है, मारो इनको। ये कोई आया था ना एक बार, वो कहां गया? सिर्फ पे भी एक इधर, भी इधर, इधर दो बंदे, इधर तीन है, इधर तीन है, इधर तीन है, इधर तीन है, तीन है इधर। मेरे को कवर देते रहना सब, ठीक है इन सब से। हां जाओ, राइट में भी बंदे हैं, ठीक है। एक ग्लिच पे लेटा हुआ बंदा, ये दिख रहा है संचित? हां दिख रहा है, दिख रहा है, वहीं देखता रहे, मार रहे लेकिन इन्होंने मेरे को देख। अच्छा उसको थोड़ी लगी, मार नहीं रहा है ना। मार्क लोकेशन, संचित यहां मार, यहां मार, यहां मार, देख कौन कौन किरा आए क्या? आओ आ जाओ भाई, लेट आना वैसे तो। आ जाओ आ जाओ, नाइस। ऐसा मार के इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। डेंजर नॉक के शैक में देखो, ये देखो पिकअप आ रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, स्मोक कर रहा मैं ऊपर, एक हाई मार्क चल रही है। अरे रुकना, स्मोक तो करने दे, जा रहा है। लेफ्ट क्लियर है, लेफ्ट क्लियर है, नहीं ऊपर बंदे, एक बंदा होगा, एक बंदा होगा। एसएमआर, वॉच आउट, एसएमआर डेड है भाई, बोल तो दी एसएमआर डेड है पूरी, ठीक है। हां हां पूरी डेड है, मैं हेड जा रहा हूं, लेफ्ट देखना। नहीं पता नहीं, इतनी क्या रेंज है,
माय कौन ओए बंटस भाई ऊपर बंदे नहीं है क्या लेफ्ट में लिख रहे नहीं पता लग रहा चाचा लेफ्ट से ऊपर देख रहा हूं मैं उसको वहीं से आप मत आओ आप पीछे से खेलो जोन एज से मत आओ जोन एज से खेलो वॉच आउट मैंने नेट से भी नॉक करा न्यूक्लियर के दोन नहीं ये तो एलएमसी तो उसमें है ना मत ही एक ही पत्थर पे है जोन की प्रथु बस गगन बहुत बढ़िया चला दिया यहां पे मार्क द लोकेशन करते रहो नेड मॉली करो उधर थोड़ा डैड मेरा देखिएगा संजीत मेरे पे नेड है सारे इधर आ जाओ हम अबे दो बंदे ऊपर है बे बैठा बैठा गिरा वो गाड़ी के नीचे नाइस ऊपर से पुश हो रहा है यार बाकी मैप से बंदे आ गए कौन सा बंदा ये बग्गे वाले चढ़ गए पीछे से तुम लोग चूती हो बोलो तुम लोग कुछ नहीं चूती हो दोनों कैसे अरे इतना भाई को पता नहीं है वो वेट करेंगे बे गधे है भाई गधे एक नंबर के यार हट बेवकूफ गेम प्ले साला जोन वन सब दिला दो तब भी टट्टी करनी होगी भाई जोन के बाहर थे पूरा जोन के बाहर थे वो लोग थोड़ा सा वो रुकना था आ जाते वो लोग खुद ही मतलब एक बार के लिए खीरा का जो ग्रेनेड है वो बाउंस किया लेजिट दैट ग्रेनेड डिड बाउंस्ड एंड वेल एसएमआर गेमिंग जो कंप्लीट एलिमिनेट हो चुके बट बाउंस करने के बाद जिस तरीके से यहां पे पिक ऑफ किया गया दैट वाज कंप्लीट नेक्स्ट लेवल यहां पे ब्रायन बुक की बात कर जाए आखिरी प्लेयर यहां पे जीवित रहने वाला अपनी टीम की तरफ से वेल काफी ज्यादा करीब यहां पे वही कल के आने सिंगल साथ साथ नॉक आउट होते हुए देखने को मिल जाएंगे वेल एलिमिनेट हो चुके नॉट नॉक आउट आखिरी का तीन टीम एंड 12 प्लेयर्स रहने वाले टीम अल्फा की बात कर जाए वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जीवित रहने वाला है वेल अल्फा यहां पे न्यूक्लिया को रिवाइवल दे चुके बीआईआर तक टीम रहने वाली एंड मस्ती जोन टॉप 3 टीम्स 12 प्लेयर्स हर टीम में 4 प्लेयर क्या लगता है ब्लैक डॉट बराबरी का टक्कर है कौन जीतेगा ये फाइट देखिए यहाँ पे बराबरी का मुकाबला है लेकिन जिसके पास अब मैन एडवांटेज कम होता नजर आएगा एवर्टेड आई थिंक वो टीम थोड़ा सा बैकफुट पे जाते नजर आएगी यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लिया की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन निकालने के साथ ही साथ अपने एनिमीज टीम को यहाँ पे थोड़ा सा वीक करवाने की अब देखते हैं किसको ये एडवांटेज मिलता है यहाँ पे वेल एग्जैक्टली यहाँ पे देखने वाली बात बनती है कि कौन सी टीम जो है वो एडवांटेज लेके जाती है मस्ती जोन के प्लेयर्स की बात कर ले जाए तो वेल वो थोड़ा सा यहाँ पे समस्या में क्या वो सर्कल के अंदर है तो जी नहीं 50 मीटर का जो फासला है वो तय कर रहा है कुणाल गेमर की बात कर ले जाए तो वेल ग्रेस का इस्तेमाल करेंगे वेल वाइपर को भी नॉकआउट किया अल्फा की टीम को भी डैमेज दिया तो वेल कुणाल गेमर एक साथ दो टीम्स के साथ फाइट ले रहे हैं चल क्या रहा है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि आप मोलोटॉव फेंकेंगे तो हम ग्रेनेड फेंकेंगे आप ग्रेनेड फेंकेंगे तो हम मोलोटॉव फेंकेंगे स्मोक्स भी यहाँ पे स्मोक्स तो वेल यहाँ पे इधर खुद की खबर के लिए किया जा रहा है बट वेल यूटिलिटीज का आदान प्रदान चलता हुआ देखने का मिल जाएगा ओ माई गॉड मतलब टीम अल्फा का भी टारगेट एक बार के लिए कह सकते कि करा जा रहा दोनों टीम्स के द्वारा वेल अल्फा की टीम को रोटेशन की काफी सख्त आवश्यकता अल्फा नो ओ ओ नॉकआउट होते हुए देखने मिल जाएंगे बिल्कुल अल्फा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं लेकिन कुणाल गेमर की बात करें बिल्कुल स्प्रे यहाँ पे रोकने का नाम नहीं ले रहे खैर पॉइंट है उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश आखिरी तीन खिलाड़ी एवर्टेड आखिरी 11 प्लेयर्स यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं अब चिकन कौन निकालेगा ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है वेल एक्जैक्टली यहाँ पे एक बार के लिए वाइपर की बात करें जो भी धीरे-धीरे करके अंदर चापे जा रहे कीरा को पिक ऑफ करके कौन सी टीम आंसर वर्सेस यहाँ पे टीम मस्ती जोन बहुत ज्यादा प्यार है यहाँ पे गेम पे निकाल कर दिखा रहे वाइपर यहाँ पे नॉकआउट होता मिल जाएगा चाहे रिकॉर्ड की बात करें जब पिक ऑफ करके एलिमिनेट करके फिनिश भी सिक्योर कर देता मिल चुका न्यूक्लिया की बात कर ले जाए आखिरी प्लेयर जीवित आखिरी के तीन प्लेयर्स यहाँ पर 1v2 का सिचुएशन न्यूक्लिया को पता सामने की तरफ प्लेयर नॉकआउट एक अच्छा खासा पुश जाता हुआ देखने के लिए मिल रहा पिक ऑफ कर सकते हैं यार दैट पोटेंशियल इट फिल्ड हिम टू हिम बट दोनों सामने जो प्लेयर्स उनके एचपी बहुत ज्यादा कम रहने वाले पिक ऑफ का दूसरा पिक ऑफ करने की
बट नहीं नहीं निकाल के लेके जा पाएंगे एंड टीम आर्थर गेट्स द मैच. वेल टीम मस्ती जोन माय बैड, यहां पे गेट्स द मैच, गेट्स द विनर विनर चिकन डिनर. एंड जनता क्या कर रहे हो, 6000 लाइक्स भी नहीं हुए यार, 4000 की वॉचिंग आ रही है एंड 6000 लाइक्स नहीं हुए. तो वेल जल्दी से 7500 का हमारा जो लाइक टारगेट रहने वाला है जल्दी से वो करवा दीजिए. अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्ट्रीम को. बिल्कुल एंड बिल्कुल एंड बताइए कौन से सवाल आप चाहते हैं कि हम पूछे मस्ती जोन से, बट थोड़े से डिफरेंट होना चाहिए. आप वही सेम सेम सवाल बोलते हो गाइस, थोड़ा सोचिए अभी टाइम है, तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए चैट में, हम जरूर पूछेंगे आपके सवाल. वेल देखिए मस्ती जोन की बात करें तो फाइनली आज के दिन में भी एक चिकन निकालने में कामयाबी जरूर यहाँ पे हासिल की है. टोटल 4 कंफर्मेशन, 4 नहीं है टोटल आई थिंक 10 कंफर्मेशन इनके पास में रहेंगे एंड जायरोगॉड के पास देखिए अबटे टोटल 6 फिनिशेस रहने वाले हैं. तो काफी बढ़िया शुरुआत इस मैच में आप बोल सकते हो इस मैच के जरिए से इनकी होती नजर आएगी. एंड नंबर 2 पे आपको अल्फा की टीम आते नजर आएगी. टोटल इनके पास में आप नजर डालिए एक बार, कितने हैं कैलकुलेटर का मेरा ओके यहाँ पे कैलकुलेटर आने के पहले आपने बता दिया, लेकिन 15 कंफर्मेशन एवर्टेड सीरियसली लाइक सबको यहाँ पे नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा था इनकी टीम की तरफ से. लाइक काफी करीब थे चिकन डिनर से, लेकिन लाइक 1v2 का बैटल था, हम सभी ने यहाँ पे विटनेस किया. मैन पावर का एडवांटेज मस्ती जोन गेमिंग के पास में था, तो डेफिनेटली उनके पास ज्यादा लाइक चांसेस थे चिकन निकालने के, निकाला भी गया. यहाँ पे नंबर 3 पे आपको टीम आई थिंक आर्थर देखने मिल सकती है, इनके पास भी काफी अच्छे कंफर्मेशंस आपको देखने मिलेंगे. टोटल 9 कंफर्मेशन विद हैशटैग 3 की पोजीशन. वेल एग्जैक्टली एंड वापस SMR यहाँ पे शायद SMR गेमिंग जो है वो कंटिन्यूस मैच देख रहा था, अपने टीम को चेयर अप भी कर रहे थे. तो वेल SMR गेमिंग की बात कर ले जाए तो 3 फिनिशेस रहने वाले बट 5th पोजीशन तक अच्छा खासा बूस्ट अप जो है यहाँ पर टीम को डेफिनेटली मिला है. धीरे धीरे करके जो है वापस से जो सीक्वेंशियल जो उसमें आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे. 4th पायदान पे टीम डायनमो जो है आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, जोन का डिसएडवांटेज. और वेल 4th पायदान पे विद 4 फिनिशेस एलिमिनेट होते हुए मिल चुके हैं यहाँ पे टीम पाइथन की बात कर ले जाए हाइड्रा पाइथन की तो देख लीजिए उनके भी 3 फिनिश रहने वाले हैं. एंड यहाँ पे टीपा गेमिंग के प्लेयर्स की बात कर ले जाए तो 1 फिनिश के साथ 7 पायदान पे चलते रकम मिल रहे हैं. बट टीम मस्ती जोन जिस तरीके से यहाँ पे एक बार के लिए जीता है ना ब्लैक डॉट, आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्टेड दैट. बट स्टार्ट द मैच क्या लगता है किसको मिलेगा, इज दैट गोना बी जायरोगॉड या प्राइम वाईटी? वेल देखते हैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर से रहता है पहले किसको मिलेगा, लेकिन चलिए दिखा देते हैं. यस यहाँ पे आपको प्राइम वाईटी देखने मिल सकते हैं जिनके पास इस मैच के MVP का टाइटल जाने वाला है. 6 फिनिशेस इनके पास में है, 924 मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो 1000 का डैमेज रील कर रहे थे. डबल का डैमेज आपको देखने मिल सकता है इनकी तरफ से, काफी ज्यादा तहलका मचाया था प्राइम ने इस मैच में. नंबर 2 पे आपको देखने मिल जाएंगे जायरोगॉड, बाय द वे नंबर 3 पे भी जायरोगॉड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेस्ट कंपेनियन एज वेल एज फाइनल एलिमिनेशन ये दोनों टाइटल्स जायरोगॉड के पास जाएंगे. 3 असिस्ट इनके पास में थे, 6 फिनिशेस इनके पास में आपको देखने मिल सकते हैं. बाय द वे देखिए MVP में इनका नाम नहीं आया, लेकिन जरूर 2 टाइटल्स लेके गए चुपचाप से इस मैच के. हेल्थ रिस्टोरेशन 327 का आपको देखने मिलेगा, सर्व ओवर टाइम 1504 का एंड डिस्टेंस की बात करें 6157 का डिस्टेंस जायरोगॉड यहां पे अपने साथ में तय किए थे इस मैच में. वेल एग्जैक्टली एंड चले थे एक बार के लिए कासर डेस्क के ऊपर, थोड़ी बहुत वार्तालाप जब वहां पर भी कर लेते तो. वेल गाइज हाइड्रा ऑफिशियल प्रेजेंस हाइड्रा इलाइट कास्टम्स वीक 4 डे 3 मैच 3 जो उसकी समाप्ति हो चुकी है. आज के दिन का आखिरी एक मैच यहां पे बचा हुआ है एंड टीम मस्ती जोन ने जो डोमिनेट परफॉर्मेंस यहां पे पोर्ट आउट किया है आखिर के तीनों ही टीम्स ने यहां पे टॉप 5 टीम्स की बात कर ले जाए तो बहुत ही प्यारा था. SMR गेमिंग की बात कर ले जाए जोन का डिसएडवांटेज थोड़ा सा यहां पे वरना देवर ऑल्सो यू नो कंटेंडर कोशिश की, दे हैड एवरीथिंग. मुझे तो लग रहा था टीम आर्थर ही जीत जाएगी, अल्फा मसी जोन के प्लेयर्स नहीं जीत पाएंगे, बट बाजी कुछ उल्टी हो चुकी है.
एंड देखिए वो आखिरी में 1v2 का बैटल था, अगर वो 2v2 होता तो कहीं ना कहीं टीम अल्फा के चांसेस वहां पे बने रहते चिकन डिनर निकाल के, क्योंकि बात करेंगे आप डैमेज की और नुकसान की तो टीम अल्फा के वो अकेले खिलाड़ी ने काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया था मसी जोन के खिलाड़ियों को, नॉक्स पे नॉक्स कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद की एचपी गंवा दी एंड वो मैच उनके हाथ से निकल गया। लेकिन कोई ना, भी एक और मैच बचा हुआ है जो कि होने वाला है रैंगल में, काफी जल्दी हम उस मैच में जाने वाले। लेकिन उसके पहले प्रोडक्शन टीम ने जो आपके लिए हाइलाइट्स बताया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपडेट जो अभी जस्ट ज्वाइन किया होगा, दे डोंट नो कि मैच में क्या हुआ, तो वो कुछ लाइक जो हाइलाइट्स है छोटे, लाइक पूरा 30 मिनट 25 मिनट का मैच ना देखने से अच्छा 5-6 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी मैच देखने मिल जाती है, ये अच्छी चीज होती है। तो डेफिनेटली वो प्रोडक्शन टीम ने तैयार किया है, तो लाइक एवर्टेड रिक्वेस्ट कीजिए हमसे हाइलाइट दिखाने के लिए। वेल द हाइलाइट्स आर एक्चुअली रेडी, तो वेल लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपको अगले ब्रेक के बाद विद द इंटरव्यू ऑफ द मस्ती जोन। बट उससे पहले लाइक्स नहीं किए तो कर दीजिए, यहां पे शेयर भी कर लीजिए, 7000 लाइक्स पे हम जो इंटरव्यू लेके आएंगे, 7500 का जो हमारा लाइक टारगेट रहने वाला बिफोर द फोर्थ मैच स्टार्ट्स, तो आई होप करवा देंगे एंड सी यू आफ्टर द ब्रेक। Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up.
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का एक और बार यहाँ पे वापस से बहुत बहुत ज्यादा स्वागत रहने वाला है। एनिमल जनता यहाँ पे इधर चाहती थी एक बार के लिए वापस से आज के दिन में जो है मस्ती जोन आए, तो वेल लीजिए आपने कहा और मस्ती जोन ने वो जो आपकी बात है वो सुन भी ली है। तो वेल हमारे साथ डिस्कॉर्ड में जुड़ चुके मस्ती जोन, आप ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हैं। फेस रिवील यहाँ पे नहीं करा जाएगा ऑलरेडी, जो लोग भी जिनको भी बोला था क्वेश्चन पूछने के लिए फेस रिवील पूछे तो फेस रिवील को ऑलरेडी कल बता दिया था। एक अच्छा खासा मुहूर्त जो है निकाला जाएगा एंड पंडित को बुला के जो यहाँ पे इधर जो क्रियाक्रम होता है, इधर प्रक्रिया जो भी होती है वो की जाएगी। बट जो भी बोल दो भाई, ठीक है। क्रियाक्रम का मतलब क्या होता है बेसिकली एक्चुअली? भाई मैं जिंदा हूँ भाई। आप जिंदा काफी सुरक्षित अच्छे तरीके से आपकी हेल्थ रहे, दैट्स व्हाट वी प्रे फॉर। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट स्टफ, मस्ती जोन इस मैच की बात करें ना, आई लेजिट डिडंट थॉट कि आपकी टीम के पास ज्यादा चांस है, क्योंकि आपकी टीम पुश कर रही थी। मतलब एक तरफ आर्थर की टीम थी, दूसरी तरफ अल्फा की टीम थी। अल्फा की टीम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया था, ओपन में फंस चुके थे। आर्थर की टीम का काफी अच्छा पोजीशन था, आपकी टीम पुश कर रही थी। तो उस मोमेंट में हुआ क्या, मतलब ऐसा जो एक बार में पूरी की पूरी आपकी टीम ने बाजी ही पलट दी? देखो हमें प्रॉपर इन्फो थी कि हमारे सामने एक टीम है और हमारे लेफ्ट में एक टीम है। हमें ये भी पता था कि लेफ्ट में अल्फा भाई की टीम है, सामने कुणाल गेमर की टीम है, मतलब चीचा की टीम है। तो वो था, बट उन दोनों की फाइट होने लगी। सबसे गंदी पोजीशन पे हम लोग थे, बट पता नहीं कैसे उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई, तो हमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा बेनिफिट मिला और हमें जोन एंट्री मिल गई। और फिर फाइट में तो फिर हमारी टीम है ही अच्छी, आपको पता ही होगा, प्रॉपर अगर फाइट करते हैं निकाल लेते हैं तो बस वो फाइट निकाल दें। एंड फिर लेफ्ट से निकल गया था और जैरो को जो हमारा टीम था वनली वन था, बट मेरी कॉल थी कि ब्रो हील कर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था लेफ्ट में निकला, मैंने बोला ब्रो हील कर वनली वन है। तो जो दूसरा टीममेट था उसने बोला नहीं मेरे को रिवाइव दे, मैं बेट कर। ना देखो ये काश की टीम पे शायद खेल आ जाएंगे, हम हमें होंगे लोग। अरे हाँ मेरे पीछे ही है, रुक मैं पूरा आगे उतरता। ये कॉर्नर पे उतर उतर के देखना, ऊपर हवा में ही उड़ रहे हैं ये लोग, मिल सकते हैं इनके किल। अच्छी गन मिल जाए तो भाई, एमओ एमओ रेंडर हुआ ऐसे गन नहीं पता। अबे दूर जब भाई नहीं होता, पता नहीं कहाँ लगेगी। अच्छा क्या
मैंने हवा फेंक रहे हो। मैं पढ़ा था उसको भाई, ऊपर तो साइड होती थी। कौन चला रहा है N60? वहीं से चला रहा है। Extra. I got supplies. राजमा गाड़ी नहीं सुना, मेरे पास एक बग्गी और उधर एक दाशा खड़ी थी। दास से पहले लाया कर भी, अबे फ्रेंड नहीं हुई थी उस समय तक, हम इसलिए बाहर वो बग्गी दिखी थी ना, बग्गी भी उधर गई, बग्गी उठाने के बाद हो रहे थे। लाओ गाड़ी, मैं ऊपर जा रहा हूँ कवर देने के लिए। लूट हो जाए गाड़ी हो जाए बताना, 3x कहीं मिले उठा लेना। मैं बैक देख रहा हूँ, गाड़ी है तो मेरी लूट हो गई है, जा रहे बस नहीं है गाड़ी इधर तो। आपको क्या दे, 3x या 4x? जी फिर पार्टी का नंबर बता देना। मैंने हम ऊपर माफ करिए चाचा, हाँ तो ऊपर आया क्या? नहीं नहीं कूदते हुए नॉक हो गए। फोन ऊपर माफ करिए, कोई ले तो नहीं रहा? नहीं जा रहे गाड़ी देने कौन चल रहा है? ना जल्दी जाना, मेरे को लेके जा, जा रहा चल। मित भाई 2000 पेंडिंग है आपके, क्या कर रहे हो मित भाई आप? गलत बात है, तूने 4x शॉक करा? नहीं तो अरे जल्दी जाओ ना। अरे चले गए भाई, देख तो सही कहाँ है, रास्ते में बात कर रहे हम तो। वहाँ एक बग्गी भी खड़ी है, ना देखो एक डासे लेके निकले हैं। चाचा को बैठा के वो बग्गी दिला दे। मैं कीरा के साथ वहाँ जा रहा था, तब तक हिल पे कौन सी बग्गी दिला? इधर आ संजय, इधर आ, इधर आ। कौन सी बग्गी दिलानी? वो उधर वाली एक दूर के पास जो होती है ना, दूर वाली पड़ोस बैठो। एक ही चिकन हुआ, अरे वो जो आए नहीं थे बट कोई ना, एक ही एक ही, चलो एक ही समझ लो। फुल स्काउट कर रहा मैं, तब तक आ रहे तब तक देख के स्काउट करिए, वो देख रहे होंगे तो पिट जाएगा। ना ना वैसे नहीं कर रहा, टीपीपी ले रहा बस। निकलो तुम लोग कहाँ मार के, अपनी जो रोटेशन होती है वही लेना, पूल और उसके वाटर सिटी के बीच से निकलना कुछिंग के एंड वेट कंपाउंड के नीचे। Thank you.
और नीचे जा काम कर। राइट पे 5 हाउस बंदे, ठीक है देख यहां रिच पे भी हो सकते तो मार्कर देख मेरा, नीचे जाना पड़ेगा देख यहां कहीं जाऊंगा पहुंच में। गाइस अमित भाई ओपन द चैट कर दो सारे के सारे, एक बार हैशटैग अमित भाई ओपन इन द चैट। मैं बोल रहा हूं अमित भाई थैंक यू सो मच फॉर द 1000 रुपीस गाइस, कर दो सारे के सारे अमित भाई ओपन द चैट। ये सब तो वैसे खा लिए ना, आ जाएंगे अगर इधर बना दो। दोन देखो 20 मिनट बाद, चल 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 ब्रिज की तरफ चल। हीरा हां भाई वो वेयरहाउस देख लेते मिलता है तो। ओके बगी बगी दिला, वॉच आउट वॉच आउट। स्पोन है क्या? अच्छा पहाड़ पे दिख रहे हैं उनको बंदे से। पहाड़ पे तो है, वेयर हाउस में भी गाड़ी दिख रही है मेरे को, बग्गी लगी है। वॉच आउट राइट आओ राइट आओ। मिलिट्री कैंप या पापा? मिलिट्री कैंप स्काउट करना पड़ेगा एक बार। आओ खाली लग रहा है, फुल कैंप बिठा लो, तो अंदर आने देना बंदों को। अब तो मारा उसने चाचा, फुल कैंप बिठा लो, बंदे अंदर आने देना ठीक है। यहाँ गाड़ी नीचे लगती ना। हाँ इधर गड्ढे में लगा ना गाड़ी। मार्क द लोकेशन। लगा दी ऐसी ऐसी जगह ले, ऐसी ऐसी जगह टीपीपी ले लो, खत्म ये गेमिंग टीपी। नाम को चेंज कर लीजिए। ठीक है भाई marked a location। ये टीम वैसे है भाई, पता है पूरा सर्वाइवल पे खेलती है। हां हां पता है मेरे। इनका सैनोक देखा तूने? हां रिज नहीं चढ़े वहां पे, अगर एक भी बंदा रिज चढ़ा होता ना पूरा गेम पत्थर ले लेता है वो, पत्थर जिस पे आगे की ले ली भाई। पता नहीं क्यों नहीं लिया, डाउन रिज खेल रहे भाई। तीनों लेटे पड़े उधर ही, मैं उधर ही बोल दिया मैंने, ये हार गए वे। डाउन रिज गलत खेल रहे थे ना जब भाई, वहां कोई नहीं था, फर्स्ट कप फर्स्ट एडवांटेज इनके पास थी। इन्होंने ही वहां पे टीम मारी। सुनो नीचे टीपीपी लेना थोड़ा, और गाड़ी आते देखे तो अंदर आने देना, पूरा शूट करना ही मत, अंदर घुसे ना उसके बाद ले लेना है इसके रेड। मैं तो इसमें बैठा हूं टावर में। इधर भी जा सकते हैं वो यार। बंदे कम है ये जोन में, खेल ही कम रहे हैं आज से, आज कम ही खेल रहे हैं। जल्दी स्टार्ट कर दे रहे हैं ये तो। कितने आए थे वैसे ये मैच में? 64 ही थे, 64 60 66 आए थे। काफी कम आए। इस जोन तो कोई नहीं आएगा, नेक्स्ट जोन आएंगे बंदे। अरे मेरे को ये शॉप मिल जाए ना अपन लोगों को तब भी अच्छा हो जाएगा। आउट करेगा? जा ही रहा हूँ अभी तो। रहना तुम हिल पे बंदे मत जा, किरा हिल पे बंदे थे ना, मत जा। मैं तो उनको दिखने वाला नहीं मैं। कहां से करेगा स्काउट? नाइट से, नीचे से। फेरी पीर कोई टीम तो नहीं वैसे। गाड़ी लगी हुई दिख रही है शायद, एक गाड़ी लगी हुई है होल्डेड।
लैम्बो चेंज हो रखी है बोले तो पूरा नहीं धोते यहाँ से रोटेशन आया था एक गाड़ी नीचे उतरते दिखी वहां से मेरे को हिल से कंपाउंड आई होगी या तो ये क्या कर रहा है तू संचित आने दो अपना हाँ, पीछे से कवर दे रहा हूँ तो बढ़िया जॉर्ड हेड खाया बग्गी वाला भाग रहा है इन्फॉर्म करो रात को बस नीचे से बग्गी रोड से आने दे फुल आने दे हेड खाया मार वॉच आउट वॉच आउट जॉर्ज चाचा बड़ी अबे यहां तक आ गया था वो आने दे अंदर ही बैठने दे भैंस की टैट मारना था भाई संचित अबे मेरा ये लड़ता है ये देखना यहां से ओपन रात की पेटी कहां है ये तो रुके ये तो मार देता हूं काला कौन है पीछे पीछे आ जा हां कीरा क्या कर रहा है यार किल चोरी हो जाएगा रुको रुको चाचा आराम से अबे 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 अभी मत खाओ रिवाइव नहीं खा रहे हम नहीं खा रहे नहीं खा रहे तूने वो पेटी लूटी कीरा नहीं अभी तक मेरे को मिली नहीं वो पेटी है यहाँ पे रेड पे किधर है मारा कहाँ जा मुकर यार कुनाल जगह क्यों छोड़ के आए पता है ना एक बंदा लूटेगा पहले लूटने सेवन है मैं उस पे सिर्फ संचित बैठा है मेरी जगह पे भाई ये पता नहीं कहां से आ रहा है पेड़ के आ रहा है अरे बानोस से मार रहा है बानोस डबल पेड़ के आ रहा है ये पड़ा है संचित मेरी यहां बग्गी खड़ी लेके ले लूटी क्या सडन रोटेशन मारनी पड़ी वॉच आउट हां अबे इसमें भी वो है गैराज है ना बीच में हां है ना देख ले हां है है पे बंदे वेट कर रहे हैं अगर आज का जोन कटेगा तो एकदम आएंगे कोई नहीं तक पति हां देख रहे हैं भाई बहुत बढ़िया से पीछे जगह भाई कसम से बता रहे हैं खाली गैराज पे अच्छा गैराज होल्डेड है होल्डेड है गाड़ी रेंडर हो जाएगी वो रेंडर नहीं होगा भले चेक्स देख ले फिर और क्या गली वाला जोन है क्या मैंने तो सीधा शैक भागना अभी तो है नीचे टैंक्स भी खाली रहेंगे खेल लेंगे कोई नहीं ठीक है वही गली वाला जोन है टैंक्स तो मार भी देंगे गली वाला जोन है ऑब्वियसली थोड़ा अलग है थोड़ा यहां साइड बनेगा लग रहा है मेरे को ये अभी आएंगे फेरी पेयर वाले खेलो अभी ये कंपाउंड भी बन सकता है बात नहीं मार नहीं पाएंगे
देखना नॉक पड़ा है ना किल। अबे हाँ अबे एंगल ही नहीं आ रहा। आया आया किल बहुत दो किल आए। यहाँ से मार रहा था ये भाग रहे यहाँ से भाग रहे देखो रोटेशन निकलेगी या तो नॉक हो गया वो चलती गाड़ी में। हर हर शैक टेकन है, ठीक है? हर शैक टेकन। वाच आउट कहीं नीचे एक गाड़ी आई है। शयान ने यार यहां से ये टीम अपने पे ही अप्रोच कर सकती है और उन पे कोई चांस नहीं। देखते रहना ठीक है। चाचा संजय देख रहे हो ना तुम जितनी बग्गियां निकली सबके टायर निकाल। Watch out! Anna? गाड़ी निकाल दो उनकी। ये गाड़ी कब आई बे? नेड हो रहा है। स्मोक हुआ गाड़ी पे, गाड़ी भी स्मोक हुआ। नेड कौन किया? कहाँ से? ओए बग्गिया! बग्गिया भाई शैक पे। अंदर मत घुसने दे। तो घुसने दे। तीन गोली खाया यार। चाचा निकलने वाले इधर वाले ठीक है रेडी रहना। राइट से ये राइट से निकल रहे शायद राइट से निकले मेरे को दिखी लैम्बो शायद। वो टीम निकल गई ना। ये बैक स्टेप करेंगे अपने को। चेक हेड बॉडी खाया यार राइट से देख के। नॉक एक नीचे नाइस वन। गिरा इधर मारते। हां चाचा बैक से मार जा रहा कुछ मार तो ना मार सकते तो एक डाउनरेज भागा ओल्ड डेड जी जी मेरा किल जो है वो क्या मैंने एक मिनट डाल दिया 5 के एमओ चाहिए आ जा ठीक है मेरे पे तो जल्दी आके लूट लो 80 है आ रहा हीरा हां आगे तुम की तरफ जाओ कोई फायदा नहीं अभी। हां टेस्ला आप काम करो वो जो टेस्ला आपके पास जोन इन लगा दो उसको एज पे मेरे पे मां फिर भी डी सी है यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है अपने थोड़ा गाड़ी निकाल के लगा रहा मैं वरना दिक्कत हो जाएगी निकालने में। अपनी गाड़ी रेडी रखना संचित मैं ये ले गया हूँ। तेरी गाड़ी कहाँ है फिर इसको बता तो दे। बग्गी में गड्ढे में उसने उसी को बताया। Watch out! हमारे बग्गी ले कौन? 9 सेकंड है। आ रहे बग्गी। भाई 2 THP है वो। राइट देखते रहे ना कंपाउंड के बंदे देख रात पे एमो था पेनेटा पड़ा है स्मोक में यार एमो कितना है तुम पे नहीं है मेरे 230 नीचे ओए राइट लेफ्ट में ले रखो मत वो रोड लैम्बो आया तुम देखो मैं राइट वाला क्लियर आते हैं लेफ्ट देखो लेफ्ट लैम्बो आया 250 देख रहा हूं अबे गाड़ी थोड़ी पीछे करना ये टेस्ला पीछे करो थोड़ी सेफ रखो गाड़ी बड़ी बड़ी टेस्ला पीछे करो कर वॉच आउट टेस्ला कर स्मोक कर रखा मैंने यार मैं कर दिया टेस्ला सिर्फ रिवर्स करना है पीछे कर स्मोक क्यों करना है अरे पड़ रही है उधर से इधर ले आ ना हां वो फटी है वो देख उसको देखो लैम्बो ही फटी है
ओए डबल टैप कर रहे हैं, मार कहां रहे हैं, ब्लू मार्क देखो। अरे जॉर्ड कहां मारा चाचा? और तुम राइट मार रहे हो अच्छा, डबल मार्क करके देखो। वॉच आउट, ये मिल रहा है, ये लेफ्ट में भी मिल रहा है, ये मिल रहा है। वॉच आउट, क्या जोन में? वॉच आउट, ये वाला ऐसे जोन में। वॉच आउट, ठीक है नाइस, उस पे मैं ब्लू मार्क शिफ्ट कर रहा। गाड़ी लेके हम घुसेंगे, लेफ्ट में मार दिया है, ठीक है। सुनो टेस्ला और डाकिया जाओ, ब्लू मार्कर पे वी बनाओ, सब पे बैठ रहा है। नहीं अकेले कराएंगे, जाओ मैं स्ट्रेट लगाऊंगा, कवर देने कवर दे चाचा, मैं स्ट्रेट लगाऊंगा, लेफ्ट से लगाना, ये डिप आ जाओ। अरे मेरा मार्कर, अच्छा ठीक है, मार्क पे ही हूं मैं चाचा, अलग चले गए थोड़े चाचा, वापस निकलो निकलो, उसी टाइम निकलो, पड़ेगी मेरे को। अब इनके लिए कहां रेंडर नहीं हो रहा, देख देने में थोड़ा हो जाए, कोई नहीं, कौन आ गया, स्मोक करो, एक दो एक कर रखा हूं, आ जा, एक और कर रहा हूं राइट साइड, थोड़ा अलग लगाना, एक टीम होल्डेड हो गई, लोल्स की टीम आ रही है। ओए शेक होल्डेड है गाइस, शेक होल्डेड है, कौन सा लेफ्ट राइट, सामने वाला, सामने वाला, सीधा शेक होल्डेड है ये वाला, वॉच आउट, कवर दे थोड़ा सा, वॉच आउट, ये वाला वहां से मार रहा है वो, मेरे पे स्मोक करे, नीड गाड़ी से स्मोक, स्मोक पता नहीं, अरे मेरे पे क्यों आ रहे हो, एचपी नहीं खेल रहा अभी, एक एचपी है वो, ये ड्रॉप जोन में होगा शायद, कितना दूर है, मार्क एन एयर ड्रॉप राइट साइड, अरे राइट साइड बना, लेफ्ट से पड़ेगी अपने को, राइट ही बनाओ ना, राइट पे बंदे आ रहे हैं ना, और ये पत्थर पे बंदा, ये पत्थर पे नेट डाल सकते हो तो डालो, डाल रहा हूं, बग्गी भी आई उधर से, चार पे उठी ना, क्या ठीक ही गया सर, अभी ये हो जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, वॉच आउट, वॉच आउट, वॉच आउट, स्मोक करके जोन ले जा, मैं बग्गी घुमा दूंगा, गोल गोल पूरी घुमाऊंगा मैं, ठीक है, दो बार एक गाड़ी का, एक तेरी गाड़ी आपके पीछे पड़ी है चाचा, कहां, अबे शॉट में तो कोई लग ही नहीं रहा इस बार, क्या क्लियर है, तो दिया मैं तब से, मार दिया, अच्छा ठीक है, यहां बंदा देखो चाचा, थोड़ा बैक से खेलो एक बार, संचय जोन के बाहर एंट्री मत ले तू, बहुत बढ़िया, इस वाले लैंप पे बंदा, इस वाले लैंप पे, लैंप पे, अबे ये लेटा, मार कसम ये लेटा, ये लेटा मरा, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेट जाओ, लेट जाओ, स्मोक दो नॉक है, ओए एक सामने नॉक है, स्मोक मार रहा है, एक नॉक है, अबे हम भी दो नॉक है चाचा, रिवाइव दो जल्दी, स्मोक कर रहा हूं, स्मोक स्मोक स्मोक, वो गिरा है तो है यहां, ओए लेफ्ट में है तेरे को, नाल लेके रुक जा अभी, हां देखा देखा चाचा, इसको भी रिवाइव देना सीधा, मैं मार दूंगा, चल नहीं एक बचा, रुक जा अभी, किल अप कर लूंगा, हम शायद ही ऊपर, एक 4v1 है, मैं गाड़ी घुमाता हूं, ठीक है रुक जा, कहां पे पता नहीं, गाड़ी पीछे जी जी चल, अरे ये बंदा दिखा कैसे नहीं, ओए सिंजू किसने मारा था, मैंने वो तो नॉक वाला किल तो रहा था तूने, दो लोज ने किया था, बोल दे तो चलो जी जी क्यों, अरे हम लोग को लगा उधर क्लियर है भाई, थे नहीं नहीं मैं बोला तो किल चुराया,
करना पड़ता है। अगर आप टोकेंगे ना, माना बुरा साउंड करता है वो, बट फिर बात है उनको खुद को लगता है, दे स्टार्ट पोटरिंग आउट द रॉ पोटेंशियल, एंड जब रॉ पोटेंशियल बाहर आता तब वो जो टीम्स अपने टॉप पे चले जाती है। बट फिलहाल कलबर की बात कर जाए, 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, शिंजो यहां पे नॉकआउट है, रिवाइवल क्या होगा यहां पे, क्या लगता है ब्लैकडॉट? देखिए मुझे एक सिंपल सा फंडा लग रहा है यहाँ पे, मेरा माल का बुरा लग रहा है, कुछ नहीं है एडवांटेज मिल सकता है अगर मयूर गेमिंग एंड आर्थर ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ में यहाँ पे फाइट ले ले के आज वर्टिस दे दे तो डेफिनेटली लॉल्स की टीम यहाँ पे एटलीस्ट उतना काम तो कर सकते हैं थर्ड पार्टी का, लेकिन यहाँ पे खुद लॉल्स को फिनिश किया जाएगा। मयूर भी यहाँ पे एक कंफर्मेशन निकालते नजर आएंगे, एंड मुझे लगता है मयूर अकेले खिलाड़ी यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं, अकेले है, 6 कंफर्मेशंस का एडवांटेज, शिंजो को रिवाइवल नहीं दिया जा सकता फिलहाल, अपने आप को थोड़ा स्मोक के पीछे रखने की कोशिश जरूर से मयूर की तरफ से आपको देखने मिल सकती है। तो क्या मयूर गेमिंग यहाँ पे आखिरी में फायदा उठाएगी? वेल देखिए कीरा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज इन करते नजर आएंगे आपको, बग्गी तक तो पहुंच चुके हैं एंड बग्गी के साथ मुझे लगता है प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे, लेकिन असियु को यहां पे ट्रैक किया जा चुका है, असियु के एक खिलाड़ी और आपके पास, आप उनके कहीं ना कहीं करीब आपको देखने मिल सकते हैं, मयूर की तरफ व्हीकल भी आई, लेकिन ये बचे कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुणाल गेमर ने सिचुएशन को संभाला। वेल असियु की बात करें अगर इनको रिवाइव मिलता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वेल एग्जैक्टली देख लीजिए यहाँ पे इधर 1v2 का सिचुएशन रहने वाला है, बेसिकली देखा जाएगा तो 2v4 का है, बट रिवाइवल यहाँ पे दोनों ही तरफ दोनों टीम के जो प्लेयर्स है वो दे रहे हैं। तो वेल लीजिए यहाँ पे बात कर ले जाए, इस तरफ गॉड एंड लॉस के दो प्लेयर रहने वाले, कुणाल गेमर का वो ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड ग्रेनेड था, आज को यहाँ पे नॉकआउट का तो मिल जाएगा। स्किप्स की बात कर ले जाए, पिक्सेल एसपी पे सर्वाइव कर रहे हैं, देयर इज लिटरली नो चांस ऑफ सर्वाइवल ओवर हियर यहाँ पे स्किप्स के लिए, एंड वेल लीजिए यहाँ पे कुछ शर्म है यहाँ पे इनका एलिमिनेशन जो है हमें विटनेस होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। आर्थर की टीम बहुत ही प्यारे तरीके से आज के आखिरी मैच में अपने लिए लीजिए यहाँ पे इधर कहते कहते तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जितना ज्यादा हो सको, तो यहाँ पे इधर एक बार के लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करवा दीजिए, बट आखिरी मैच की समाप्ति हो चुकी है आज के दिन की, एंड रिजल्ट एग्जैक्टली सामने देखिए कितने, कुणाल गेमर के पास 8 कंफर्मेशन, वाव, यहाँ पे बाकी खिलाड़ियों का भी कंट्रीब्यूशन, यस थैंक यू सो मच, कैलकुलेटर निकालने के पहले आपने बता दिया उसके लिए। वेल देखिए टोटल 15 फिनिशर्स के साथ में आर्थर की टीम एक बूम बाम चिकन निकालते यहाँ पे जरूर नजर आई हमें, काफी इंटरेस्टिंग मैच थी एवर्टेड जब आखिरी के 10 टीमें सर्वाइव कर रही थी, जब सर्कल जब ओपन की तरफ बढ़ रहा था ना डेफिनेटली गूज़बम्स यहाँ पे आ गए थे, मैं थोड़ा सा लाइक चिंतित हो गया था कि कैसे यहाँ पे टीमें सर्वाइव करेगी इतने मुश्किलों में, किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पे संभाले रखेगी, लेकिन चलिए आर्थर ने वो काम यहाँ पे करके दिखा दिया, चिकन डिनर विद लाइक टोटल 15 कन्फर्मेशंस जो कहीं ना कहीं लीडर बोर्ड में इनको काफी ज्यादा सहायता पहुंचाएगी। नंबर 2 पे आपको लॉल्स की टीम, वेल लॉल्स की टीम की बात करें आज बहुत बार हमने देखा कि चिकन डिनर तक पहुंचे जरूर है, लेकिन वो चिकन डिनर हाथ तक नहीं आ पाया इनके, देखिए कहीं ना कहीं पोजीशन पॉइंट्स है साथ ही साथ फिनिश पॉइंट्स है तो वो चीज से एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता रहेगा इनको, टोटल अगर किया जाए तो यस यहाँ पे 7 कंफर्मेशन जो है लॉल्स की टीम के पास आपको नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पे आपको मयूर गेमिंग की टीम देखने मिलेगी, एंड टोटल इनके पास में 6 कंफर्मेशन देखे जा सकते हैं। एग्जैक्टली यार ये बात भूले कि ब्लाइंड के जो स्पाई थे उनका भी एक 1v4 जो है वो हमें मैनेज करने के लिए मिला था, तो वो भी एक बना था स्टाफ प्लेयर्स इस मैच के रहने वाले हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, मेरा मूड नहीं है, तू जा तू जा तू जा। ऑलरेडी चेकआउट कर चुके, बट टीम आर्थर व्हाट अ डोमिनेटिव परफॉर्मेंस बाय दिस लवली टीम। बिल्कुल, एंड मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे मैन ऑफ द मैच लाइक स्टार ऑफ द मैच में टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, तो यस डेफिनेटली कुणाल गेमर जिनके पास 8 कंफर्मेशन थे इस मैच के, वेल देखिए 1010 का डैमेज भी डील कर रहे थे, मतलब काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया अपने एनिमीज को इन्होंने, एंड इस पर्टिकुलर मैच का जो खिताब है MVP का ये अपने नाम जरूर से किया है। नंबर 2 पे आपको देखने मिल जाएंगे आर्थर एंड एक बेस्ट कंपेनियन का टाइटल इस मैच का अपने साथ में ले जाएंगे, 3 असिस्ट है इनके पास, 3 बार रिवाइवल प्रोवाइड किया था,
148 का health restoration and survival time 1502 का इनके पास में आपको देखने मिल सकता है। अगेन यहाँ पे नाम आ रहा है कुनाल गेमर का, वेल एमवीपी के साथ साथ फाइनल एलिमिनेशन का टाइटल भी अपने साथ में ले जाएंगे। वेल 8 का फिनिशर्स के साथ साथ 3 असिस्ट यहाँ पे इनके पास मौजूद रहने वाले हैं। 6587 का यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया था एंड सर्वाइवल टाइम अगर देखा जाए तो 1504 का देखने मिल सकता है आपको। कर लिया Well, exactly. वो तो थे यहाँ पे हमारे स्टार द मैच एंड वेल वो सारे जो यहाँ पे इधर होते हैं वो रहने वाले हैं। बट वेल वी आर बैक ऑन द कास्ट नाउ, दिस इज गोना बी आवर टेड, मेरे साथ है ब्लैक डॉट। अगर आपको हमारी कास्टिंग पसंद आए तो आप जाके हमें भी फॉलो कर सकते हैं, कास्ट डॉट आवर टेड एंड ब्लैक डॉट का रहने वाला है IG_BlackDot, तो दीज आर आवर इंस्टा हैंडल्स, जाके हमें फॉलो करिए। बट उससे पहले इंस्टाग्राम पे जाइए, team.hydra esports सर्च करिए, हाइड्रा ऑफिशियल का अकाउंट यहाँ पे रहने वाला है, ऑफिशियल अकाउंट जो है, तो जाके उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एंड गाइस यहाँ पर लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर नहीं किया शेयर भी कर लीजिए। बाकी हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके लिए जो हाइलाइट्स इस मैच को रेडी किया। एंड वेल आखिरी मैच में था गेम अल्ट्रा HD पर रन हो रहा था, 40 FPS कैप होता अल्ट्रा HD का, तो आपको वो 60 FPS वाली जो 90 FPS वाली जो वाइब होती है एकदम स्मूथ जो रहता है वो आपको नहीं दिखता। बट वेल ग्राफिक्स थोड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, विजुअल्स लग रहा है। आपको कैसा लगा विजुअल्स, आपको कुछ लगा डिफरेंस है विजुअल्स में? वेल ब्लैक डॉट यहाँ पे कम्प्लीटली स्टंड आउट हो चुका था। ब्लैक डॉट ये इतना डराओ मत, इधर हम बच्चे, हम छोटे से बच्चे, आप हमें डरा रहे हैं इधर कुछ, या फिर आपके कैमरा स्टक हो चुका है? वेल कैमरा तो स्टक नहीं, आप यहाँ पे मुस्कुरा जरूर से रहे। तो वेल आपकी आवाज आ रही है मेरी? वेल थोड़ा सा टेक्निकल आई थिंक इशू चल रहा है, मुझे आवाज जो है गिटार के स्वरूप में आ रही है आपकी। ओके ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो प्लीज बोल दीजिए हाईलाइट्स आने वाला। यस बिल्कुल गाइस कहीं जाइएगा मत क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एवरेटेड क्या बोल रहा है, लेकिन यस मैं इतना समझ चुका हूँ कि हाईलाइट जो है आपके लिए यहाँ पे रेडी किए जा रहे हैं, बस हाईलाइट्स को एंजॉय कीजिए एंड बहुत जल्दी हम आते हैं चिच्चा के साथ में इंटरव्यू के साथ। What a performance! वापस से यहाँ पे डांस कर रहे हैं। How does he even know that we are spectating? Well, what a यहाँ पे आर्थर के यहाँ पे इधर दिमाग में ये तो हमें भी नहीं पता। Well, exactly यहाँ पे आर्थर के यहाँ पे इधर दिमाग में क्या चला पता नहीं। Okay, well डांस किया रक्षु को यहाँ पे pick up भी किया आर्थर हमें भी नहीं पता। इस साथ ब्रिज क्रॉस जोन ये भी सर्कल के बाहर सदर रीजन में अपने आप को लाइक फंसते नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ ब्रिज क्रॉस करना है ब्रिज अगर। ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आर्थर इज ऑन फायर, ये लाइक आर्थर किस चीज की खुशी मना रहे हैं यहाँ पे। व्हाट तो हमें भी नहीं पता इज माइंड वेल एग्जैक्टली यहाँ पे आर्थर के यहाँ पे इधर दिमाग में क्या चला पता नहीं। ओके वेल डांस किया रक्षु को यहाँ पे पिक ऑफ भी किया आर्थर, सैवेज मोड ऑन करके बैठे हुए, व्हाट अ परफॉर्मेंस, वापस से यहाँ पे डांस कर रहे हैं। हाउ डज ही इवन नो दैट वी आर स्पेक्टेटिंग? वेल आई हैव गॉट नो क्लूज, बट शायद से उनको लग रहा है कि यहाँ पे वो डांस करेंगे तो वेल उनको दिखा दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आर्थर वी आर अ फैन ऑफ योर्स, वी विल डेफिनेटली शो यू फॉर श्योर। एंड आपकी जो डांस शायद से कौन थे वो जो कह रहे थे कि वो इमोजी इमोट्स कर रहे थे पहले बट उनके इमोजीज को दिखा नहीं था, व्हाट वाज दैट? वेल आई डोंट नो, मैं मुझे तो याद नहीं है बट चलिए मेरे को एक चीज याद आ गई यहाँ पे, आग लगे चाहे बस्ती में हमारे चीचे ऑलवेज मस्ती में, ये चीज बढ़िया लग रही है मुझे यहाँ पे। मीनवाइल संचित की बात करें, संचित भी यहाँ पे तैनात है, बिल्कुल वो मिलिट्री वाला एक लुक यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है, वो सामने पूरा का पूरा एरिया अपने लाइक कवर के हिसाब से बनाएंगे। आयुष की बात करें, आयुष यहाँ पे चिच्चा को एक आर्चर को पिक करते नजर आएंगे, लेकिन ऊपर कीरा है, कीरा क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्या आयुष को पिक किया जाएगा? यस डेफिनेटली आयुष को उनकी सजा यहाँ पे दी जाएगी, कंफर्मेशन भी सिक्योर किया जाएगा। वहां पे अमर की बात करें, कट्स गॉड टीम SMR के खिलाड़ी आई थिंक कुछ प्लेयर्स को नॉक करते नजर आएंगे। एंड डायनामो की बात करें, एक और कंफर्मेशन इनके खाते में जुड़ता नजर आएगा, तो 14 टीमें 49 खिलाड़ी इस मैच में आपको आगे बढ़ते नजर आएंगे। अब देखना होगा इन 14 टीमों में से कौन सी 3-4 टीमें हमें आखिरी सर्कल्स में देखने मिल सकती है। शुरुआत की बात फेज में SMR कंफर्मेशन लगता है बात करें चलते जैसे गेम कर रहा था वाले तो क्लस
मस्ती जोन को पिक किया, कन्वर्जन यहां पे मिल पाएगा उनको, यस डेफिनेटली यहां पे बीटीएस की तरफ से जायरो गॉड को भी पिक किया जाएगा। मस्ती जोन की टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में, वेल एग्जैक्टली मस्ती जोन की टीम डेफिनेटली मुश्किलों में रहने वाली है, बट वेल बीटीएस के प्लेयर्स भी दिक्कतों में देखने को मिल रहे हैं यहां पे इधर ले जा, तो वेल वो जायरो गॉड को पिक ऑफ करते हुए मिल जाएंगे। तो वेल जो प्लेयर्स है धीरे दिन की आखिरी मैच है, जोश की बात करें सारे टीमों में जोश रहने वाला है एंड सारी टीमें जानती है कि यहाँ पे पोजीशंस कैसे निकालना है, बट कहीं ना कहीं चैलेंजेस की बात करें सिर्फ उन्हीं की जैसी टीमें बाकी भी रहने वाली है जिनको पता है यहाँ पे पोजीशंस कैसे मेंटेन करना है। तो ये मुकाबला काफी लाइक धुआंधार टीमों के बीच में होता नजर आएगा। आपको आर्थर की बात करें टोटल 9 कंफर्मेशन इनके पास रहेंगे एंड लाइक फाइनली टॉप 4 में आपको आर्थर की टीम यहाँ पे अपनी एक एंट्री लेते नजर आएगी। सामने की तरफ आपको राइक देखने मिलेंगे एंड राइक की बात करें टीम कनी के खिलाड़ी है यहाँ पे आर्थर, धीरे धीरे यहाँ पे सर्कल के अंदर क्लोज इन करते नजर आएंगे। राइक के साथ साथ उनके बाकी 2 खिलाड़ी भी है जो शैक का सहारा ले रहे हैं। शैक एक चीज है वहां पे जिसका एक काफी बढ़िया एडवांटेज मिल सकता है एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस की टीम सीरियसली लॉस मतलब एक ग्रेनेड एंड पूरी की पूरी टीम को वाइप कर गए, कितने कंफर्मेशन उठा लिए। आई थिंक ये 3 कंफर्मेशन का एडवांटेज अभी यहां पे लॉर्ड्स को होते नजर आया। एक तरफ हमने प्राइम को देखा था, प्राइम का वो स्प्रे काफी लाजवाब एंड दूसरा आई थिंक ये लॉर्ड्स का ग्रेनेड रहेगा जो एक काफी बढ़िया तरीके से यहां पे वर्क करता नजर आया। लीजिए आखिरी 3 टीमें एंड आखिरी 10 खिलाड़ी वो बट कुणाल का इंटरव्यू देखेंगे फिर निकलते हैं इसके बाद। भाई गड़बड़ हो गई ना मेरा हर मैच, बहुत गंभीर सिचुएशन पड़ गई। चिकन था, मैंने मैंने पहले ही बोला था मेरा मार चिकन था भाई, पता नहीं क्या हुआ। गलती करी और क्या हुआ गाइस, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम फॉलो करिए। तुम्हारा लव स्टोरी बोलो, मेरी लव स्टोरी कौन सी वाली? 5K लुटवा दिए आपने, 5K लुटवा दिए आपने, 5,000 लगवा रखे थे आपने, क्या बात कर रहे हैं? 5,000 लगाए थे लुटवा दिए मतलब 5,000 क्या मिरामार मैच के 5,000 लगाए थे? मेरे को बताना तो था, क्या बात कर रहे यार, ये लोग तो पीछे ही पड़े। रिजल्ट आ चुका है, मैंने बोला था कि मेरे को बता देने का पहले ही। आपकी प्रॉफिट में ही चल रहे हो, आप सभी का वापस से स्वागत है। देख लीजिए यहाँ पे जो MVP यहाँ पे बन के गए हैं यहाँ पिछले मैच का, यहाँ पे जो जिस टीम ने चिकन निकाला उनके दी स्टार प्लेयर, वन ऑफ द स्टार प्लेयर जो है वो हमारे साथ यहाँ पे रहने वाले। इट इज गॉन अबी नदन दी कुणाल गेमर। तो वेल कुणाल आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेल क्या था ये पिछला मैच, क्या था मतलब मुझे ये जाना क्या खा के आए थे सबसे पहली बात तो? आके तो क्या आए थे, 3 मैच से गालियां खा के आए थे और कुछ नहीं खा के आए थे। कौन सी गालियां खाई थी अभी बताओ, हम भी एक दूसरे को गेम प्ले के पहले वो गालियां भी दिया करेंगे। अरे नहीं, 3 मैच खराब गए ना आज हमारे जी। अच्छा लास्ट मिरामार भी थ्रो हो गया तो वो ऐसा समझ लो गुस्सा चढ़ गया था कि भाई क्या हो रहा है ये आज, तो पूरा गुस्सा एक ही मैच में निकाल दिए।
और क्या कर सकते थे, लास्ट बचा था, कुछ तो करना ही था। वो एक डिसाइड कर लिया आपने, रोज का कोई ना कोई एक चिकन निकालना है, मतलब इंटरव्यू फिक्स है आपका टीम आर्थर का। अरे भाई ऐसा नहीं है, बट इंटरव्यू की नहीं, बट वही है ना, थोड़ा परफॉर्मेंस तो दिखाना पड़ेगा वरना। जी परफॉर्मेंस तो लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कैसा निकल के आ रहा है टीम आर्थर का, मतलब वो हैशटैग #1 छोड़ने को आप तैयार ही नहीं हो क्यों, लेकिन ऐसा क्या, क्यों नहीं छोड़ना चाहते आप हैशटैग #1? पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन बहुत गलतियां बहुत कर रहे हैं हम लोग, बट वही है, हमसे ज्यादा दूसरी टीमें कर रही होगी इसलिए हम टॉप पे हैं। हम इतनी गलतियां करके टॉप पे हैं तो मतलब हमसे ज्यादा बाकी लोग कर रहे हैं। ओके ये तो हो गया, चलो गेम का सवाल, लेकिन वो चलो मैं चिच्चा का वेट कर रहा था इंटरव्यू में कि वो आते तो मैं उनसे सवाल पूछता, वो इमोट का क्या सीन था, मतलब इतने खुश किस पे थे वो, इतने खुश क्यों थे वो टाइम पे, क्या हुआ था, ऐसा कोई जोक हुआ था या फिर कुछ लाइक नॉक निकाला था अपने? यस मैच के मिडल में कहीं तो भी आप जब हिल पे थे वो ब्रिज के पास में, तब कहीं ना कहीं उनके तरफ से इमोट्स आ रहे थे, हम सब ने विटनेस किया, वो मजा भी आया देख के, तो मुझे लगा कुछ लाइक हुआ होगा जिससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपकी फाइट एसएमआर गेमिंग के जो प्लेयर्स जो थे यहां पे बिलो द रेज, जब आप फाइट प्राइम थे शायद तक नीचे, नहीं फिर वो अकेले अकेले ही कर, अच्छा वो अकेले अकेले खुश हो रहे थे, बिल्कुल बताया नहीं कि आपको बिल्कुल उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग कपना कर रहे थे वो चाचा थोड़ा बहुत, वो मैंने बोला ही था आग लगे चाहे बस्ती में, चिच्चा तो हमारे मस्ती में, बस वही सीन था वहाँ पे, पक्का पक्का एवर्टेड वही सीन था। बट एक बार के लिए कुणाल आप अभी बता एकदम ऐसे, शायद से ब्लैक डॉट भाई का जो एकदम पूरा लुक है वो देख के डर गए, क्या हो गया पता ना, थोड़ा एकदम ऐसा लाइट लग रहे हो आज, नॉर्मल तो बहुत आप नहीं, पहले भी आप पहले भी आए थे आप इंटरव्यू में तब अलग थे, आज अलग दिख रहे हो, इसलिए तो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कुछ नए कुणाल के बारे में। अरे वो मैचेस आज दो खराब गए ना, एक दो तो क्या अच्छा तीन ही खराब चले गए, नहीं बट वो है ना कि बाकी में परफॉर्मेंस नहीं आई, खराब खेल रहे तो ऐसा अंदर से फील होता है कि नहीं यार अच्छा खेलना था। वेल आप हमें एक इनसाइडर न्यूज़ जो वो मैं दे सकता हूँ जिससे आपका मूड जो थोड़ा खुश हो जाएगा, वेल ये किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है जनता आप लोग एक बार के लिए कान बंद कर दीजिए, बट कुणाल आपकी जो टीम है यहाँ पे आर्थर जो है 165 पॉइंट्स के साथ पहला पोजीशन जो है D3 में भी मेंटेन कर रहे हैं, जो टीम नीचे है आपके नीचे है उनके 141 पॉइंट्स रहने वाले, तो मतलब टोटल 24 पॉइंट्स का लीड अभी भी आपकी टीम ने बरकरार रखा है यहाँ पे। अब तो थोड़ा नीचे होना चाहिए था, हमें तो नीचे होना चाहिए था जिस हिसाब से आज खेले हैं। तीसरे मैच से बात करो, पहला दो तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं खुद भी कह रहा था कि यू नो आपकी टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ है, बट तीसरे मैच आपकी टीम ने काफी अच्छा यहाँ पे कमबैक दिया, स्पेशली जो फाइट्स हो रही थी उसमें भी मतलब मस्ती जोन के आपके साथ जो फाइट थी, मुझे तो लगा था एक बार के लिए कि आपकी टीम ने मस्ती जोन की टीम को एलिमिनेट कर लिया है, बट मस्ती जोन की टीम ने आपको एलिमिनेट किया, आप वो सिचुएशन एक बार बता सकते हैं लास्ट मैच का? मस्ती जोन को तो मार दिया हमने, हम लोग क्या, हम लोग ने राइट साइड से जो अल्फा सर की टीम आ रही थी हम उनको देख रहे थे, हमारा ध्यान उन्हीं पे था, तो उनका एक बंदा आगे आया गाड़ी लेके, हमने उसको मारा, लेकिन हमारे दो बंदे ट्रेड में नोक हो गए वहीं पे। अरे सैनो की बात कर रहा है वो, उन लोग ने शायद पीछे वाले को देखा नहीं तो वो दोनों नोक हो गए, तो फिर जैसे ही हमें पता चला कि हमारे दो बंदे नोक हुए, शायद मस्ती की टीम ने पीछे से रश कर दिया, तो हमने पीछे से सुना, हम पीछे भागे, एक को नोक किया, उसके बाद मर गए, एक और नोक हुआ था पर मर गए। कोई ना, अगर वहां पे दो बंदे नोक नहीं हुए होते तो वो भी चिकन था। वेल वो भी चिकन था, पर टॉप 3 में आपकी टीम आई तो दैट्स अ गुड थिंग एक बार के लिए, पॉइंट्स भी थोड़े बहुत, अब 5 फिनिशेस तक जहां तक मुझे याद है पिछले मैच में आपकी टीम के, हाँ 5 सैनोक में थे, 5 सैनोक में थे, मीराबार में 10 थे राइट, हाँ कुछ वैसे ही कुछ था, एंड इस मैच में 15 तो मतलब धीरे धीरे करके डबल 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 यहाँ पे करा जा रहा था यार, लीजिए फाइनली एक चिकन तो निकाल के मतलब सीधा 30 बॉम्बर जो है वो मारा, तब चले जब पहले के दो मैचेस में जो थोड़ा सा चोक किया वो आखिरी के दो मैचेस में आपकी टीम ने जो रिकवर भी कर लिया, तो वेल दैट्स अ गुड थिंग, लीड पे भी आपकी टीम जो है बरकरार रह रही है। एंड वेल मुझे आर्थर जी से एक पूछना था, वो इमोजी था कि अभी तक मेरे दिमाग में तो वो घूम रहा है, अगर आप पूछ सकते तो आप हमारी तरफ से पूछ के हमें बता दीजिएगा, बट वेल क्या आप भी ऐसा कुछ इमोजी स्पैम करते हैं बीच बीच में? नहीं 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 नहीं, वो चाचा की आदत है, अभी मीरामार रहे कल या परसों मीरामार खेल रहे थे तो रिज के इस साइड पे सामने एक टीम खड़ी थी, उनको इमोजी कर करके बुला रहे थे, आओ चिढ़ा रहे थे, मतलब चिढ़ा रहे थे, चिढ़ा रहे थे।
फिर वो ऑर्गेज्म वाली आवाजें भी निकालने लग जाते हैं वेल एवर्टेड लेकिन एक चीज है देखिए चिकन निकाल के ये सब चीजें करके टेबल टॉप करने वाली बहुत टीमें देखी है लेकिन विदाउट चिकन डिनर निकाल के यहाँ पे टेबल टॉप करना और हैशटैग वन पे चलना आई थिंक टीम आर्थर की एक खूबी है खासियत है well, अरे exactly. हम किल्स निकल जाते हैं ना तो वो बस वो हो जाता है कि हाँ। वही तो चाहिए सर कि लाइक चिकन की आवश्यकता ही नहीं है आपको आप वैसे ही टेबल टॉप कर सकते हो बट Backdot, any further questions? क्योंकि जनता जो है वो points table के लिए काफी उत्सुकता बना रही है यहाँ पे इधर कुनाल खुद भी यहाँ पे काफी उत्सुकता से यहाँ पे बैठे हैं आपको तो बता दे कुनाल but जनता यहाँ पे wait कर रही है अभी भी दिखा दो और क्या दिखा देंगे by wait क्या आपके आखिरी कुछ क्वेश्चन जल्दी से आज आप बता रही आप मुझे क्यों लग रहा है कि आज सब बहुत फ्रीज आउट हो चुके हैं आज मतलब कुनाल गेमर को देख रहा हूं मैं कुनाल आप भी थोड़ा बहुत फ्रीज लग रहे हैं ब्लैक डॉट आप भी आप थोड़ा फ्रीज लग रहे हैं तो क्या चल क्या आज मैं ही ज्यादा जोश में हूँ या फिर सब आज थोड़ा सा लूज में नहीं आप थोड़े से जोश में हो क्योंकि वो लाइक पोल का असर दिख रहा है मुझे जो पोल लगाया था ना वो उसका असर चढ़ा हुआ है आपके ऊपर दिख रहा है वो खुशी दिख रही है झलक रही है बाय द वे कुनाल वो आखिरी की मैच मुझे याद है आप अकेले थे आपके सामने दो टीमें थी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक लॉल्स की टीम थी और आपके एग्जैक्टली सामने मैं नाम भूल गया टीम का कौन सी टीम थी एवर्टन कौन से मैच में लास्ट इसके पहले लास्ट मैच में मयूर गेमिंग की टीम थी लेकिन मयूर गेमिंग ने एक 1v2 को अंजाम दे दिया आखिरी में तब क्या महसूस किया आपने कि आपके दोनों कीमती खिलाड़ी वहां पे नॉक हो गए शायद दोनों खिलाड़ी नॉक हो गए थे आपके जब वो व्हीकल कोई तो भी लेके गया आपके टीम से मयूर भाई के ऊपर मयूर भाई बच गए बट स्टिल 2+ का नुकसान था 1v1 का बैटल था आखिरी में तो वो प्रेशर थोड़ा सा कम शब्दों में बयान कर सकते हो क्या फील कर रहे थे आप वहां के निकलेगा चिकन या फिर जाएगा हाथ से जब मयूर भाई ने दो नॉक करे थे ना उससे पहले मैंने लोल्स की टीम का एक नॉक कर दिया था तो वो पता था मुझे तो मैं पहले ही आगे गाड़ी ले जाके उधर लगा दिया गाड़ी और फिर उधर नेड़वेड़ बरसाए मैं क्या नहीं दिया जब तक हमारे टीममेट रिवाइव हुए प्रेशर टाइप तो नहीं प्रेशर नहीं होता प्रेशर किस चीज का उस प्रेशर में आप दिख रहे हो सर इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप थोड़ा अरे नहीं नहीं थोड़ा सा पैनिक लग रहे हो आप मतलब ऐसा खुल के नहीं बोल रहे हो पता नहीं क्या चल रहा है आपके दिमाग पैनिक नहीं मैं बोल रहा हूँ आज हमारे मैचेस अच्छे नहीं गए ये वीक में हमारे मैचेस अच्छे ही नहीं जा रहे बहुत गलतियां हो रही है तीन दिन में ऐसा हो ये बात तो है ये बात तो है चक्कर में थोड़ा सा वो हो रहा है बट डे टू से ही आपकी टीम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है अभी तो दो दिन बचे हुए हैं ये दो दिन में भी कुछ भी हो सकता है आपकी टीम क्या पता मल्टीपल चिकन डिनर्स निकाले लास्ट वीक की तरह अपना जो फर्स्ट पोजीशन वही रिटेन करते चले एंड वेल ऐसे ही आपकी टीम तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेन करने वाली है फर्स्ट पोजीशन ही चलने वाली है तो कंग्रेचुलेशन फॉर द लास्ट विनर चिकन डिनर बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर बट जनता काफी ज्यादा उत्सुक हो रही है तो वेल आप भी यहाँ पे इधर है और भी पॉइंट्स टेबल देखना चाहेंगे आपके टीमर्स भी यहाँ पे देखना चाहेंगे तो वेल आपको कहते हैं फिलहाल के अलविदा बहुत बहुत धन्यवाद बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड या बाय बाय ठीक है थैंक यू कुणाल भाई थैंक यू ओके गाइस तो यहाँ पे एक बार के लिए कुणाल जो है वो निकल चुके हैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड से डिसकनेक्ट हो चुके हैं बट पॉइंट्स टेबल तो वेल कितने लाइक्स हुए हैं ब्लैक डॉट अभी तक वेल मुझे यहाँ पे 170 पॉइंट्स है 165 इन्होंने करा है हमारा आई थिंक सैनो का मैच नहीं गिना इन्होंने जनता पे से वो पोल से ही मेरा भरोसा उठ गया है लाइक क्या बोल जनता यहाँ पे आपने मतलब एक बार के लिए ब्लैक डॉट को वोट नहीं देके देख लीजिए आप ब्लैक डॉट चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे कभी कभी सच कड़वा लगता है बट थैंक्स लॉट जनता हो यार फॉर द लवली पोल बट अपार्ट फ्रॉम दैट 8.3 के लाइक्स हो चुके हैं 8.5 के मिनिमम 10K का हमारा बेसिक टारगेट रहने वाला है बट पॉइंट टेबल यहाँ पे जिसकी काफी ज्यादा मांग कर रहे थे तो वेल पॉइंट टेबल यहाँ पे रेडी हो चुके आ चुका है मेरे पास ब्लैक डॉट दिखा दीजिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ हमेशा बोल देखिए जिस चीज का इंतजार आप कर रहे थे ये डे 3 का लाइक ओवरऑल स्टैंडिंग आपके सामने है मतलब पोस्ट मैच फोर राइट एवर्टेड चौथे मैच के बाद का ये पूरा का पूरा एक जो मिश्रण है पॉइंट टेबल का ये आपके सामने आ रहा है टीम आर्थर की बात करें 160 पॉइंट्स के साथ में दो चिकन डिनर्स हैं इनके पास में 85 पोजिशनल पॉइंट्स एंड 80 फिनिश पॉइंट्स देखिए हर चीज में ये आगे है बाकी सारे टीमों के एंड हैशटैग वन का ये जो एक लाइक पायदान है बिल्कुल अपने पास में रख के चलेंगे नंबर दो पे टीपा गेमिंग ने एक बढ़िया छलांग
41 पॉइंट। अरे अरे लोकेश भाई पास आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन देखिए इनके पास भी कोई चिकन डिनर नहीं है, लेकिन #टीपा गेमिंग शुक्रिया जरूर यहां पे मेरा कोटा का है कि नंबर 3 पे आपको मस्ती जोन गेमिंग देखने मिल सकते हैं। 126 अंक इनके पास में है, 3 चिकन डिनर्स भी इनके पास में आपको देखने मिलेंगे। वेल बात करेंगे टीम IWL के प्लेयर्स की, #4 पे आपको टीम IWL देखने मिल सकती है विद टोटल 122 पॉइंट्स। BTS के खिलाड़ी यहां पे #5 पे आपको देखने मिलेंगे, 104 टोटल पॉइंट्स इनके पास में है। LOLS गेमिंग #6 पे आपको देखने मिलेगी टोटल 88 पॉइंट्स के साथ में। अंतर्यामी गेमिंग #7 पे आपको देखने मिल सकते हैं 83 पॉइंट्स इनके पास में रहने वाले। मयूर गेमिंग #8 पे विद टोटल 80 पॉइंट्स एंड डायनामो गेमिंग की टीम #9 पे विद टोटल 78 पॉइंट्स आपको देखने मिलेगी। मैं भी एक ही जीता, मेरे को नहीं दिए पैसे। तुम कौन से एक ही जीते? 9 पॉइंट्स। 14 पे बात कर ले जाती हूं, कास्ट प्लेस देखने के लिए मिल जाएंगे मैं 30 पॉइंट्स। लोकेश भाई विद द 1000 रुपीस, गाइस कैन वी हैव # लोकेश भाई इन द चैट। लोकेश भाई ओके रिसीव 10 रुपीस ऑन Paytm। लोकेश भाई विद 1000 रुपीस आया है, अभी आएगा ऑन स्क्रीन। 5 पॉइंट्स तो वेल एक बार के लिए जो टॉप की टीम है वो टॉप पे जाते जा रही है। जो अपना जो लड्डू 150 रुपए किलो नहीं अमित भाई, लड्डू 1000 रुपए किलो। ज्यादा पॉइंट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने मेरे लड्डू खाए 1000 रुपए का दो मेरे। हमारा डी 3 था जी हां गाइस, यहां पे डी 3 था, मतलब दो दिन ऑलरेडी हो चुके थे, दो दिन बचे हुए थे, बट आज यहां पे एक बार के लिए सेंट्रिक डे था, आज के दिन की भी समाप्ति हो चुकी है। और वेल लीजिए यहां पे तीसरे मैच का, तीसरे दिन के बाद तुम्हारी कोई शर्त शुरू नहीं है, तुम जाओ। टीम आर्थर फर्स्ट पे, टीम टीपा गेमिंग की बात कर जाओ दूसरे पायदान पे रहने वाला, थर्ड पे यहां पे टीम मस्ती जोन जो वो देखने के लिए जा रहे हैं। बट आर्थर की टीम ने जो यहां पे टॉप 3 का जो ग्रेड है ब्लैक डॉट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के बीच में, मतलब एक समझ लीजिए वही 25 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड की टीम के बीच में 25 पॉइंट का डिफरेंस एंड थर्ड एंड सेकंड की टीम के बीच में 15 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो मतलब जो थर्ड में तो जा ही नहीं सकते, चाहे उनके दो मैचेस भी यहां पे क्यों और डिप ना जाए और दो मैचेस में गेन भी क्यों ना कर ले, फिर भी फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन रहेगी वो टीम। बिल्कुल, एंड बात करेंगे आज के दिन की। ओवरऑल दिन में मुझे 2-3 चीजें काफी हद तक याद आ रही है। वो एक टीम ब्लाइंड्स की तरफ से जो 1v4 निकल के आया था, वेल 1v4 भी था स्पाई की तरफ से, एंड स्पाई की तरफ से वो टीम आई थिंक अगेंस्ट में नहीं था टीम डायनामो के, लेकिन यस कहीं ना कहीं लाइक कोचिंग की में कमाल करके दिखाया था, वो भी काफी लाजवाब था। उसके बाद अगर तीसरा मुझे कोई चीज याद आ रही है तो वो ये है कि प्राइम YT की तरफ से वो लैम्बोर्गिनी के शोरूम में एक छोटे से गैप से टीम डायनामो के टीममेट्स को मार गिराया था, वो भी कहीं ना कहीं मुझे याद है यहाँ पे। एंड लाइक टीम लॉल्स का वो जो ग्रेनेड था शैक के अंदर गया, एक साथ 3 प्लेयर्स को एक झटके में मैच से बाहर कर दिया, मतलब पूरी टीम को ही वाइप कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली ये सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे हाइलाइटेड मोमेंट्स जो स्ट्रीम पे भी यहाँ पे हाइलाइट्स जो उस पर भी बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल 2 बजे। थैंक यू सो मच लोकेश भाई, थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड द मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, मॉडरेटर्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं आप सभी से कल। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, शब्बा खैर, सायोनारा।